दरू शरीफ पढ़े। तो हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरा कुरान जुज 19 वकाल अल्लज़ीना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबीना मातिना व कुदवतिना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिही व असहाबिल किराम। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। ऐ हमारे रब, हमारी मौत के वक्त हमें कलमाए शहादत पर साबित कदम रखेगा। या इलाही, मौत के वक्त हमारे जबान पे कलमाए शहादत जारी कर दीजिएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा जो है 19वां पारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पारे में जो है हम सूरतुल फुरकान, सूरतुश शौरा और सूरतुन नमल की 59 आयात कवर करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। इस बारे में बहुत से नबियों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह हम भी दुआएं मांगेंगे। और जैसे कि कल हमने जाना था, समझा था कि सूरतुल फुरकान पहली आयत तबारकल्लज़ी नज़ल अल-फुरकाना से माखूज है। इसमें इन शुबात और एतराज़ात पर कलाम किया गया है जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कुफ्फार मक्का की तरफ से पेश किए जाते थे। तो हम सूरतुल फुरकान आयत नंबर 20 से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले पारे में 21 से शुरू करते हैं। पिछले पारे में 20 पर पिछला पारा हमारा 18 जो है सूरतुल फुरकान की आयत 20 पे इख्तिताम हो चुका हुआ था। तो आयत नंबर 21 से शुरू करते हैं सूरतुल फुरकान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं कि क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें, बड़ा घुमंड लिए बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि पना बखुदा, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे, और वो दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा, और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी, और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। तो मेरी बहनों, जो लोग पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को नहीं को मानने को तैयार नहीं होते, वो तरह तरह के मुतालबे करते हैं और तरह तरह के बहाने करते हैं। इन बहानों में से इन मुतालबों में से एक ये है कि हम फरिश्तों को देखना चाहते हैं जिनका आप जिक्र करते हैं, या हम फिर अल्लाह ही को देखना चाहते हैं। हम आपको जब मानेंगे, आप सच में से कहते थे, जब आप हमें अल्लाह सुबहान व तआला को सामने दिखाएंगे।
ऐसी बातें वो क्यों करते हैं, क्या वाकई वो उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं कि फरिश्ते देखें, या उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि अल्लाह ताला को देखें। दरअसल नहीं, वो बड़े नॉन सीरियस लोग होते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं, जो सिर्फ दाई हक का मुकाबला कर रहे होते हैं मजाक उड़ाने के अंदाज में, तमस्खर के साथ, और तरह तरह के ऐसे अनोखे मुतालबे और डिमांड्स करके जिसकी वजह से वो उसकी बात को किसी तरह नीचा दिखा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि आयत नंबर 23, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे, यूं भग से उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक है उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा, वो फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। तो उससे ये पता चलता है कि बाज लोगों के अमल कबूल ही नहीं होंगे, वो खाक बनाकर उड़ा दिया जाएंगे। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जरूर जानता हूँ जो रोजे कयामत तहामा के पहाड़ों की तरह नेकियां लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा नेकियां होंगी उनके पास, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को फजा में फैले हुए गुबार के बारीक जर्रों की तरह बेअहमियत कर देगा, बिल्कुल डस्ट कर देगा। खबरदार, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, रात को तुम्हारी तरह कयाम भी करेंगे, यानी तरावी भी पढ़ते हैं, कयाम भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन तन्हाई में अकेले में अल्लाह के हराम करदा उमूर का इर्तिकाब करेंगे, यानी अल्लाह से नहीं डरते, अकेले में वो काम करते हैं जो लोगों के सामने नहीं करते, यानी गलत किस्म के काम। तो इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह सुबहान तआला के साथ अपना मामला दुरुस्त रखना चाहिए, वो सबके सामने हो या छुपकर उन कामों से परहेज करे जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। आयत नंबर 26, अल मलिकु यौमैज़िल हक्कु लिर्रहमान, उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। वकाना यौमन अलल काफिरीन आसीरा, तो आज जो अल्लाह की दी हुई आजादी है उसे फायदा उठाकर मनमौजी कर रहे हैं, तो कल उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। आयत नंबर 27, जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा, यानी कि अपना हाथ काटेगा। दुनिया में भी हम देखते हैं ना, जब खुद इंसान को गुस्सा आता है तो क्या करता है, अपनी उंगलियां काटने लगता है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो सोच विचार करते हैं या किसी कर्म में मुतला होते हैं, तो उसमें ये कि उस दिन इंसान नाखून नहीं, उंगली नहीं, बल्कि पूरा हाथ चबाएगा कयामत के दिन और कहेगा कि काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, या लई तनि तखस्तम अर रसूली सबीला, और फिर या वैलता लई तनि लम अतखिस फुलानन खलीला। ये दो बड़ी हसरतें होंगी, एक के रसूल का साथ दिया होता। हकीकत यह कि दुनिया में हम नबी ससम को ना पूरी तरह पहचानते हैं, ना जानते हैं, ना उनके मिशन को जानते हैं, ना उसके लिए कुछ करते हैं। अब बाज़ औकात आपका तरीका कुछ और होता है आप ससम का, और हमारा तरीका कुछ और होता है, और वो तरीका वो नहीं होता जो सुन्नत से साबित होता है। तो ऐसे में इंसान कितनी भी बड़ी मेहनत करे विगत में, लेकिन कामयाब, लेकिन कयामत के दिन उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो हशर के मैदान में पछताने वाले क्या कहेंगे, काश मैं रसूल का इस रास्ता इख्तियार करता, वो हसरत करेंगे। हदीस मुबारका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिस वक्त मैं हौज पर तुम्हारा मुंतजिर होऊंगा तो तुम्हारे गुरु दर गुरु लाया जाएगा और रास्ते में तुम्हें मुतफरिक कर देंगे, यानी फिर एक एक अलग अलग हो जाएगा। मैं तुम्हें आवाजें देकर कहूंगा इस रास्ते की तरफ आ जाओ, तो मेरे पीछे से एक मुनादी पुकार कर कहेगा, उन्होंने आपके बाद दीन को तब्दील कर दिया था, मैं कहूंगा खबरदार दूर हो जाओ, खबरदार दूर हो जाओ, यानी मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या होगा कि जो दीन में नई नई बिदतें करते हैं, अपनी तरफ से घड़ घड़ के चीजें करते हैं, तो उसका यह हाल होगा जो इसमें हदीस में बताया गया। तो उस वक्त इंसान क्या तमन्ना करेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, रसूल के तरीके पर होता। इसलिए बहुत सीरियसली सुन्नतों का मुताला हमें करना चाहिए, सुन्नतों को पढ़ना चाहिए और अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक कंपेयर करके देखा करें कि हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई ये नबी ससम का रास्ता है। फिर इसी तरह दूसरी चीज जिस पर इंसान रिग्रेट करेगा, वो बुरे लोगों से दोस्ती के असरात दुनिया में भी इंसान के लिए बुरे होते हैं। हम बच्चों के लिए क्यों केयरफुल होते हैं, छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है,
कहते हैं बेटा बेटी फला दोस्त से मिलेंगे, फला के घर जाएंगे तो हम पहले उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करते फिर जाने देते हैं, क्योंकि इंसान का जो सोहबत होती है ना उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है, अच्छी या बुरी सोहबत बहुत काउंट करती है। तो रसूल अल्लाह, एक हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी की मिसाल कस्तूरी वाले की मानिंद है, मुस्क वाले की तरह है, अगर तुझे उससे कस्तूरी ना भी मिली तो उसकी खुशबू तुम्हें जरूर पहुंचेगी, यानी उसका कुछ ना कुछ असर किसी ना किसी तरह तुम तक जरूर आएगा, कुछ नहीं तो उसकी कोई बात तुम्हें हंसा देगी या खुश कर देगी, यानी अगर मादी फायदा कोई नहीं पहुंचता तो दे दीगर कोई फायदा तुम्हें इससे पहुंच जाएगा। बुरे साथी की मिसाल भट्टी वाले की तरह है, अगर तुझे उसका मालिक, अगर उसका उसका तुझे लक ना भी लगे तो धुआं जरूर आएगा। ये बचपन से पढ़ते रहे ना ये हदीस हम लोग, यानी इसकी कोई ना कोई बात तुम्हें हट कर जाएगी या कोई ना कोई बुरा अमल तुम देखकर अपने अंदर अपना लोगे और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर देगा। तो इसलिए इंसान को इन दोनों चीजों पर, यानी सुन्नत का इत्तबा और दूसरे अपने दोस्तों के ऊपर, जरूर नजर रखने की जरूरत है। और फिर वो क्या कहेगा, हम तो सुन्नत हदीसें बहुत कवर करते हैं इंशाल्लाह, और बाकायदा जैसे हम सही बुखारी पढ़ रहे थे तो इंशाल्लाह हम लोगों ने सोचा हुआ है सब्जेक्ट क्या आपने मैंने कि इंशाल्लाह तो दौरे कुरान के बाद फिर हम सारे सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह तो शुरू कर देंगे, सही बुखारी वगैरह भी। आयत नंबर 29, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता क्योंकि उसने जिक्र आने के बाद मुझे भटका दिया, यानी मैं तो कुरान पढ़ लिया था, मैंने तो दीन सीख लिया था, मुझे तो अच्छे बुरे की पहचान हो गई थी, लेकिन उसने, दोस्त ने आकर मुझे हक से हटा दिया। वकान शैतान लिल इंसानी खुजूला, शैतान इंसान के हक में बुरा ही बेवफा निकला। आयत 30, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखजु हाजल कुरान महजूरा। रसूल कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तजहीक बना लिया था, मजाक बना लिया था, यानी कुरान का मजाक उड़ाते थे, दूसरा मानी इस कुरान को छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, पसे पुश डाल दिया था। ये दोनों माने माजूर के किए जाते हैं। तो माजूर की हम जो है माजूरा की और तफसील देख लेते हैं। आप लोग भी मुलाहिजा कीजिए स्क्रीन पर के आप सबने शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से कि मेरी कौम ने कुरान को महजूरा, हाजल कुरान महजूरा, उसको छोड़ दिया था। तो कुरान छोड़ने की अकसाम, इब्नुल कय्यूम अल-जौज़िया कहते हैं कि कुरान को तर्क करने की कई अकसाम है। उसको नंबर एक, उसको ना सुनना, नंबर दो ना उस पर ईमान लाना, नंबर तीन उस पर अमल ना करना, नंबर चार उसके हलाल और हराम पर रुकना, ना उसके हलाल और हराम पर रुकना, ना उसके किसी हुक्म को मानना, अपने झगड़ों के फैसले में उसकी तरफ ना जाना, उसको हाकिम ना बनाना, उसमें गौर व फिक्र ना करना, उसका फहम हासिल ना करना, उसके जरिए इलाज ना करना, किसी और से इलाज तलब करना और कुरान से इलाज तलब ना करना। इसलिए हमने तिब्बे नबवी का भी सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, वो के एक ही हमने सेशन लिया और भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम उसके जरिए इलाज करें। उसके बाद जो है हम सारे स्लाइड्स बनाते हैं उसके गौर व फिक्र के लिए, उसके तदब्बुर के लिए। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं वो भी उन्हीं में से एक है कि आप गौर व फिक्र करें, उसका फहम हासिल करें, इसमें तदब्बुर करें, ठीक है। फिर एक और हदीस मुबारक है, हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश मानी जाएगी, ये अपने पढ़ने वालों के हक में बहस करेगा कि या रब, फुलां ने मेरे साथ इतना वक्त लगाया था, दिन को पढ़ा, रात को पढ़ा, उसकी तस्दीक की जाएगी, बात मानी जाएगी, जिसने उस कुरान को अपने सामने रखा ये उसकी रहनुमाई जन्नत की तरफ करेगा, और जिसने उसको अपने पीठ पीछे रखा ये उसे हाथ कर जहन्नुम में ले जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। आयत नंबर 31, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदूवन मिनल मुजरिमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब रहनुमाई और मदद को काफी है। मुनकिरीन कहते हैं, उस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि उसको अच्छी तरह तो हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, यानी थोड़ा थोड़ा इसलिए उतरा है कि तुम उसको अच्छी तरह याद कर लो, और इसी गरज के लिए हमने उसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। यानी हम देखते हैं कि कुरान मजीद सूरतों में तकसीम किया गया है,
114 सूरतें हैं, अज्जा में जुज में तकसीम किया गया है, फिर आयात में तकसीम किया गया ताकि लोगों के लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। और नंबर 33 इसमें मसलियत ये भी है कि जब अल-ज़हरा सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल सामने लेकर आए, यानी लोगों ने जब तुम पर कोई बात बनाई उसका ठीक जवाब बर वक्त हम तुम्हें दे दें और बेहतरीन तरीके से बात खोल कर बता दी, ठीक है। उसके बाद हम देखते जो लोग ऊंधे मुंह जहन्नम की तरफ धकेले जाने वाले हों उनका मौकफ बहुत बुरा है, उनकी राह हद दर्जे गलत है। हमने मूसा को किताब भी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर भेजा और उनसे कहा जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयात को झुटला दिया है, आखिर उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ, जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया। उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है, यानी आखरत का अजाब, यानी दुनिया में भी उनको सजा मिली और आखरत में भी मिलेगी। इसी तरह आद और समूद और असाबे रस और बीज के सदियों के बहुत से लोग तबाह हो गए। अब ये जो असाब और रस है ना, उनके मुतालिक तहकीक ना हो सका है कि वो कौन लोग थे। उन्होंने तो असल में पैगंबर को, अपने वक्त के पैगंबर को कुएं में फेंक दिया था, या कहा जाता है, मुफसरीन कहते हैं कि लटका के मारा था। और जो है असाबुर रस कुएं वाले, असाबुल उखदूद सूरतुल बुरूज में उनका जिक्र है असाबुल उखदूद का। तो रस अरबी जमान में पुराने कुएं, अंधे कुएं को कहते हैं, ठीक है। उनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और इस आयत 40 और इस बस्ती पर तो उनका गुजर हो चुका है, यानी कौम लूत की तरफ इशारा है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। बदतरीन बारिश कौन सी होती है? पत्थरों की बारिश। क्या उन्होंने इसका हाल देखा ना होगा, मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्के ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगुश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम ना गए होते। अच्छा वो वक्त दूर नहीं जब अजाब देख कर उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया। अरायता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया हो, यानी जो सिर्फ अपने दिल की बात मानता हो, जो सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलता हो, तो ये भी एक तरह से क्या है, शिर्क है। यानी नफ्स भी बुत बन जाता है, जैसे मुशरिकीन बुतों की पूजा करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग मेरी बहनों अपने दिल की बातें मानते हैं, जिस तरफ दिल उनको ले जाए उसी तरफ चल पड़ते हैं, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, जायज हो या ना जायज हो। क्या तुम ऐसे शख्स को राय रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? नंबर 44, क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। हदीस मुबारका में आता है कि उस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा जितने माबूद पूजे जा रहे हैं उनमें अल्लाह के नजदीक बदतरीन माबूद वो ख्वाहिश नफ्स है जिसकी पैरवी की जा रही है। तो अपनी ख्वाहिशात पे नहीं चलना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कुरान और हदीस से क्या चीज साबित है। यानी इंसान जिसके पीछे चल पड़े, ख्वाहिश किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जन्नत को नफ्स के खिलाफ नापसंदीदा चीजों से ढांप दिया गया है। हदीस मुबारका है, दोजख नफसानी ख्वाहिशात से ढक दी गई है और जन्नत नापसंदीदा चीजों से ढक दी गई है। यानी अगर जन्नत में जाना है तो फिर वो काम करने पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के हैं, अल्लाह ताला की पसंद के हैं। मसलन रात को क़याम करना, ताजुद के वक्त उठना या तरावी पढ़ना आसान काम नहीं है। नफ्स पर कितना भारी होता है, खास तौर पर जिन लोगों को रात को सोने की आदत हो उनके लिए रात को जागना एक बहुत बड़ा मुजाहिदा होता है। रमजान मुबारक करीब आ रहा है लेकिन वो अपने आप को, अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचल कर, नींद को कुचल कर, आराम को खत्म करके क्यों खड़े होते हैं? ताकि वो जन्नत में अल्लाह का दीदार कर सके। अल्लाह हमें भी अपना दीदार नसीब करिएगा या अल्लाह। इस तरह कुछ चीजें इंसान को बड़ी पसंद होती हैं, मसलन कुछ सॉन्ग्स बहुत पसंद होते हैं, कुछ चीजें बहुत पसंद होती जिससे हमारा दिल बहुत खुश होता है, लेकिन वो लघ्व में आती है या फिर वो हराम में आती है, तो ऐसी चीजें करना कयामत के दिन इंसान के लिए नुकसानदेह होगा।
अब हम एक और हदीस मुबारक देखते हैं, वो यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में लग जाते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि अम तहसबु अन अक्सरहुम यस्मऊना और याकिलूना इन्हुम इल्ला कल अनामी बलहुम अदल्लु सबीला। क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, यानी ये सारी खुली खुली आयात और अहादीस ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, यानी उन्हें बताया जाता है लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो सुनते हैं और फिर मजलिस से उठते हैं और फिर वही काम करते हैं जो वो पहले कर रहे होते। तो जब अमल में तब्दीली नहीं आती मेरी बहनों, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने जानवरों की तरह करार दिया है। मवेशी जानवर है, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी वगैरह। तो वो कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो जानवरों की जबिल्लत जीते हैं, खाया पिया चुरा चरा चुगा, घास खाया चरा चुगा, और फिर जो है इस दुनिया से चले गए। और मजलिसों में भी आते हैं कुरान की, तो अमल नहीं करते। तो आयत नंबर 45, अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद बिज़िल्ला, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैलाता है? अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता, हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, हमेशा साया रहता, सूरज की धूप साये को खत्म ना करती तो क्या होता। तो अल्लाह ताला ने हमेशा साया नहीं रखा है। उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 46, फिर जैसे जैसे सूरज उगता जाता है, हम साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। वह लजी जाहारा नुशूरा, वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को उसके जरिए जिंदगी बख्शे, और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार उनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक सीख लें, मगर अक्सर लोग कुफ्र और नाशुकरी के सिवा दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। यानी अल्लाह हर तरफ निशानियां बेखेर रखी हैं ताकि हम कुछ सबक लें, लेकिन अक्सर लोग आंखें बंद करके चलते हैं। वलो शेना लब असना फी कुल्ली खरियतिन नजीरा, अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक नजीर उठा खड़ा करते, यानी हर हर मोहल्ले में कोई ना कोई डराने वाला पैगंबर भेज देते। बस ए नबी सल्लम, काफरों की बात पर हरगिज हरगिज ना मानो, और इस कुरान को लेकर उनके साथ जिहाद करो, कभी जिहादे कभी करो। वला तुतिल काफिरीना वजाहिदुम भी जिहादन कबीरा, गौर से सुने इसको, जिहाद वजाहिदुम भी जिहादन कबीरा। जिहाद कहते हैं इंतहाई कोशिश को के जिसमें इंसान कोई लम्हा ना छोड़े अपनी मेहनत करने में, और फिर दूसरे ये कि बड़े पैमाने पर जद्दोजहद, छोटी सी कोशिश नहीं बड़ी कोशिश जिसमें इंसान अपने सारे वसाइल सारे जराए इस्तेमाल करे, और तीसरे ये कि इंसान हर महाज पर कोशिश करे। और यहाँ पर क्या कहा गया है, जाहिद हम भी से मुराद यहाँ कुरान है। इस कुरान के जरिए जिहाद कबीर करो, कुरान के जरिए जिहाद कबीर, जी हाँ, यानी कुरान की तालीम गोशे गोशे तक फैलाओ, दुनिया के कोने कोने तक फैला दो, हर तरीके हर जरिए से फैला दो, हर हर बंदे तक पहुंचा दो, यानी अनथक मेहनत करो। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा वो हमने किसी को बताया था वो माना नहीं तो फिर हमने भी छोड़ दिया, नहीं, एक दफा नहीं दो दफा तीन दफा बता, वो नहीं मानता किसी और को बता, जो सुनने वाले उनको सुनाओ, जो सुनने वाले नहीं पढ़ने वाले उनको पढ़ाओ, और जो किसी और तरीके से समझना चाहते हैं उनको इस तरीके से समझाओ। यानी दुनिया में जिस तरह कोई अपनी बिजनेस को प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है, तुमने अल्लाह से बिजनेस कर रखा है, तुम कुरान की प्रमोशन इस तरह करो, इसी तरह हर खूबसूरत अंदाज से बेहतरीन तरीके से हर जरिए से जहां भी जिसको भी पालो। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। बाजारों में मेलों में जाते थे और कहते थे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे। तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। ए नबी सल्लम, तो नबी सल्लम तो ये अपना काम कर चले, लेकिन इसके बाद उम्मत क्या कर रही है, मैं और आप क्या कर रहे हैं, क्या वाकई हम प्रायोरिटीज में, हमारी प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी ये भी है कि जिस कुरान से हमें फायदा पहुंच रहा है ये दूसरे तक भी पहुंचाऊं, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अभी आप देखें कितने पड़ोसी नहीं आ रहे,
सामने बिल्डिंग में हम जाते थे, वो हमारे लिए टेबल चुनती थी, इतनी बेहतरीन टेबल लगाती थी। हम में से किसी ने कोई फोन किया उनको, अच्छी छा ठीक है कोई आए ना आए, हमारा फर्ज बनता है कि वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, क्या करो कि बड़ा जिहाद करो, किससे करो, कुरान से करो, पूरी कोशिश करो। तो मेरी बहनों आज के जाकर फोन करें उन बहनों को, बताएं कि इतने हम पारे कर चुके और इतना हमें ये पढ़ा और इतना अच्छा हमें लग रहा है, आपका आपका एक एक लम्हा जो है अल्लाह के जिक्र में होगा, एक एक हरफे दस दस ने क्या आपको मालूम है ना कि किस तरह करना है, मुझे पता है आप लोग करती हैं कोशिश, तो और कीजिएगा, क्योंकि ये आयत ने हिला दिया आज मुझे, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान से करना है जिहाद, ठीक है ठीक है, और इस कुरान को लेकर उनके साथ जिहाद कबीर करो, ठीक है, ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया और हमें करना है। और वही है जिसने दो समंदरों को मिलाकर रखा है, एक लजीज और शीरी, दूसरा तल्ख और शोज, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल एक रुकावट है जो उन्हें गुदमुट होने से रोके हुए, यानी समंदर का वसी पानी और इसी के अंदर मीठे पानी के चश्मे, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी रुकावट के, उसके अंदर ही अंदर, बहुत ही खूबसूरत मिसाल है इस बात की कि बाज़ औकात इंसान का सारा माहौल समंदर जैसा कड़वा होता है और उसके अंदर एक मीठे चश्मे की तरह होता है कि जिससे खैर फूट रही होती है। तो ये है मिसाल दी समंदर की कि मीठा पानी एक तरफ होता है, खारी पानी एक होता है, लेकिन वो मिक्स नहीं होते, और वो ब्लू और देखा होगा आपने कलरफुल, और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए, तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है, उस अल्लाह को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मजीद है कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। आयत नंबर 56, ए मोहम्मद सलम तुमको तो हमने बस एक मुबशिर और नजीर बनाकर भेजा है, वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरन व नजीरा, और नहीं भेजा हमने आपको मगर एक मुबशिर और नजीर बनाकर, उनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब की तरफ आने का रास्ता इख्तियार कर ले। पैगम्बर की उजरत क्या है कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाए, हर दाई हक की उजरत यही है कि जब आप किसी को अल्लाह की तरफ बुलाएं तो उससे किसी किस्म की दुनिया के फायदे की तवक्का ना रखें, किसी चीज की चाहत और शौक हो कि किस चीज की चाहत और शौक हो कि वो शख्स दीन की तरफ आ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि उसका बदला फिर अल्लाह हमको देने वाला है जो दुनिया में से कोई भी नहीं दे सकता। तो अब ये अभी जो हमने पढ़ा के इसके जरिए हमें इसको फैलाना है, तो ये जूम तो ऐसी चीज है कि 100-200 बहनें आ सकती हैं और दुनिया भर से लॉग इन हो सकती है, वरना तो रिकॉर्डिंग तो आप भेज ही सकती हैं व्हाट्सएप पे। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबी इबादी खबीरा, ए मोहम्मद ससम खुदा पर भरोसा रखिए जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं, उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह कीजिए अपने बंदों के गुनाहों से, बस उसी का बाखबर होना काफी है, वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और सारी चीजों को बना कर रख दिया जो आसमान और जमीन के दरमियान है, फिर आप ही अर्श पर मुस्तवी हुआ, रहमान उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो, उन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे हम उसी को हम सजदा करते फिरे, ये दावत उनकी नफरत में उल्टा इजाफा करती कर देती है। तो चले अब सजदे के लिए झुक जाएं, अपनी गर्दन झुका लें, सजदा तिलावत कर लेते हैं झुकाकर, सजदा वजिया लिल्लज़ी खलक़हु वसव्वरहु वशक्का समहु वबसरहु तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इस पारे में 2 सजदे हैं माशाल्लाह। अब ये जो आयत हमने पढ़ी ना, कि आयत तो इसका जवाब भी है इस आयत का, तो ये मसनून है कि इस आयत को सुने तो जवाब में कहें क्या कहेंगे, मेरे साथ इसका जवाब दें। आयत नंबर 60 का मसनून ये है कि इस आयत को सुने तो जवाब दें, क्या जवाब है, ज़ादन अल्लाहु खुदुअन मा ज़ादा लिल आदाई नुफूरन, अल्लाह करे हमारा खुदू इतना ही बढ़े जितना दुश्मनों का नुफूर नफरत बढ़ती है, ठीक है। तबारक अल्लज़ी जाला फिस समाई बुरूजन वजाला फिया सिराजन व कमरम मुनीरा,
बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग यानी सूरज और एक चमकता चांद रोशन किया, वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशी बनाया, एक जाता है और एक आता है, एक जाता और एक आता है, एक दूसरे के पीछे सूरज और चांद। और इस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्र गुजार होना चाहे, तो हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्र होना गुजार होना चाहे, तो अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा करते हैं कि हम शुक्र गुजार हों, शुक्र गुजार होने के लिए क्या करें, सूरज चांद का मुशाहिदा करें, निशानियों को देखें, खास तौर पर जब चांद निकले तो चांद की दुआ पढ़ें। सिर्फ हम तो रमजान का ईद का चांद देख के दुआ पढ़ते हैं, वैसे भी देखा करें अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करें और चांद निकला करे तो चांद रात को हर महीने का चांद निकलता है ना, तो दुआ करें, चांद की दुआ भी पढ़ें। और व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। यह आयत मुझे इतनी पसंद है, रहमान के असली बंदे वो है जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, आहिस्ता चलते हैं। आहिस्ता चलने से मुराद बीमारों जैसी चाल नहीं, भले मानसों की चाल, शराफत की चाल, बावकार चाल। और जाहिल उनके मुंह आए तो वो कह देते हैं तुमको सलाम हो, बहस नहीं करते, लोगों से लड़ाइयां नहीं करते, हर जगह बाजू उठाकर खड़े हो नहीं जाते हैं, कमर पर हाथ कर लग के लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू करते हैं। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे उनके मुंह को आए तो कह देते हैं कि सलाम, उनको सलाम कर देते हैं, बहस मुबहसे नहीं करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन, जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं। और आयत नंबर 65, चले हम दुआ कर लेते हैं, मेरे साथ दुआ करें, 65 दुआ है। वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नमा, ये दुआ है, चले मेरे साथ पढ़ें, दुआ करें और स्क्रीन पे भी देखें। रब्बनस वल्लज़ीना यकूलूना रब्बनस सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाब काना गरामा इन्ना सात मुस्तकर्रम व मकामा, ऐ हमारे रब जहन्नम के अजाब को हमसे फेर ले, बेशक इसका अजाब तो जान को लागू है, बेशक वो बहुत बड़ा बहुत बहुत बुरा ठिकाना और मुकाम है। ठीक है, तो जो दुआएं करते हैं कि है हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले और इसका अजाब तो जान को लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं, 66 ना बुखल करते हैं, बल्कि इनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। 68, जो अल्लाह के सिवा किसी और को जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को ना खलाक नहीं करते और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो जो कोई करे, कौन सा शिर्क कत्ल जिना, वो अपने गुनाह का बदला पाएगा, कयामत के रोज उसको मुकर्रर अजाब दिया जाएगा, यानी बार बार अजाब दिया जाएगा और वो उसी में हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। यानी अगर कोई तौबा नहीं करता और इसी हाल में उसकी डेथ हो जाती तो फिर कयामत के दिन शदीद पकड़ होगी, इल्ला ये कि कोई उन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका और ईमान लाकर अमल सवाला करने सवाले करने लगा, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी से शिर्क हो चुका हो या जाने अनजाने में, या फिर कत्ल औरतों के साथ जो कत्ल मुतालिक है, वो अपने पेट के बच्चे को अबॉर्ट करवा देती हैं, वो भी कत्ल है ना, जाया कर देना पैदा यानी छोटे बच्चे को किसी तरह मार देना, तो इस निग्लिजेंस को इख्तियार करना। और तीसरी चीज जिना, तो उसमें कोई भी बुराई किसी से अगर हो चुकी हो तो उसके लिए क्या हुक्म है कि इंसान तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे। ईमान लाए क्योंकि जब इंसान जिना करता है तो उसका ईमान उठ जाता है, खत्म हो जाता है। अगर किसी से ऐसी कोई बुराई हुई है तो अपने ईमान की तजदीद करे, फिर नेक अमल करे ताकि पिछली बुराइयों का कफारा हो सके। फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह भलाइयों में बदल देगा। यानी फिर वो बार बार जब अल्लाह के आगे रोते हैं पलटते हैं तो अल्लाह ताला उस तौबा को लिखता चला जाता है और नेकियों में इजाफा होता जाता है। हदीस में आता है, हदीस मुबारक, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐसे आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने तमाम गुनाहों का इर्तिकाब किया और कोई गुनाह ना छोड़ा हो, यानी हर तरह की बुराइयां की, उस सिलसिले में उसने अपनी हर छोटी बुरी बड़ी हाजत ख्वाहिश पूरी कर ली हो, क्या उस शख्स के लिए भी कोई तौबा है, यानी इतना बड़ा गुनाहगार। तो आप सबने फरमाया, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वानका रसूल अल्लाह, तो आप सबसे फरमाया तुम नेक अमल करते रहो और बुराइयों को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। यानी बुराई करने के बाद जब कोई शख्स नेकी शुरू कर देता है, नेकी पर स्टेडफास्ट रहता है, तो पिछली बुराइयां जो है वो भी नेकियां बन जाती। तो उसने कहा मेरे तमाम फरेबों और बदकारियों को भी अल्लाह नेकियां बना देगा। आप सच ने फरमाया हाँ। फिर उस शख्स ने कहा अल्लाह अकबर कहा, और जब तक वो नजरों से होजन ना हो गया मुसलसल अल्लाह अकबर, मेरे साथ कहें अल्लाह अकबर, यानी खुशी के मारे तकबीर पटारा के सुभान अल्लाह ताला के अल्लाह सुभान ताला इतना मेहरबान है। लेकिन शर्त क्या है कि इंसान फिर अपनी तौबा में सच्चा हो, ये नहीं कि दो तौबा कर ले उधर फिर दूसरे दिन अपनी मर्जी करने बैठ जाए कि गुनाह तो माफी हो जाते हैं, इसलिए क्या फर्क पड़ता है गुनाह किए जो नहीं, ऐसा नहीं। आयत नंबर 72 वल्लज़ीना ला यशदूना ज़ूर, और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ को के गवाह नहीं बनते, और किसी लघु चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, यानी ना वो झूठी गवाही देते हैं ना ही झूठ का मुशाहिदा करते हैं, झूठे किस्से खानियां उनको अट्रैक्ट नहीं करते, वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, जिस बात में झूठ हो जाए वो मजाक और हंसने के लिए की जाए उनको उस पर हंसी नहीं आती, क्योंकि उनका टेस्ट ये है ही नहीं, यानी झूठ से वो खुश नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये कि लव में जो लोग मशगूल हो वो उन पर बस एक नजर डाल के आगे बढ़ जाते हैं, शरीक नहीं होते लव कामों में, जिन्हें अगर उनके रब की याद सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते, यानी नसीहत को गौर से सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। अब आयत नंबर 74 मेरे साथ दुआ पढ़े सब लोग, दुआ मांगे आए, दुआएं दुआएं और आमीन बोलते जाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह अपने घर वालों के लिए दुआ करते हैं, आज आप इतनी अच्छी आयतें हैं, अल्लाह ताला आप हमें दुआ करवाए, हमारे रब हमारी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। यहाँ जो अजवाजिना है ना, तो अगर शोहर करेगा, अजवाज जो है दोनों के लिए आता है अरबिक में, मर्द और औरत दोनों के लिए, मियाँ और बीवी दोनों के लिए, ठीक है, जोड़े के लिए। तो अगर मर्द मांगेगा तो वो बीवी के लिए होगी और बीवी मांगेगी तो शोहर के लिए। तो हमारे रब हमारे शोहरों और औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का भी इमाम बनाते, ना हिदायत देते हमें हमारे बच्चों को हमारे शोहर को इस फितने के दौर में, या अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह उनकी हिफाजत करिए, अपने खास खास फरिश्तों के जरिए उनकी हिफाजत करिए उन्हें, और हमें मुत्तकियों का भी परहेजगारों का भी इमाम बना दीजिए। उसके बाद हदीस मुबारक है उमर रदी अल्लाह अन्हु ने, आमीन या रब्बल आलमीन, उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सा माल अपने पास रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक को चाहिए कि वो शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली जबान और ऐसी बीवी रखे जो उमूर आखिरत पर उसकी मदद करने वाली हो। तीन चीजें जो है वो जरूरी है, कौन कौन सी? शुक्रगुजार दिल के अल्लाह मैं आपसे राजी हूँ, तकलीफ भी हो तो इंसान कहे या अल्लाह मैं राजी हूँ, और जिक्र करने वाली जबान के हर लम्हे इंसान अल्लाह को याद करता रहे, और तीसरी चीज नेक बीवी जो अपने शोहर को आखिरत पर मदद दे। अक्सर औरतें कहती हैं कि ये क्या, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, मर्द क्यों नहीं हमें बताते, वही बताएं, वही जिम्मेदार है, वो कवाम है, वो घर के बड़े है, वो हमें सीधा रखे। नहीं, औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो शोहर की आखिरत की फिक्र करे, वो उसको अच्छे काम की बताती रहे, वो अच्छे काम को जा रहा हो तो नहीं फलाने तो मुझे बुरा किया, उसी की मदद करेंगे, उसी को करेंगे तो वो कहेंगे भाई अल्लाह के वास्ते सुबह नाश्ता देने मत उठा करो, मैं नेक काम को जा रहा हूँ, मुझे रोक रही हो। नहीं, वो ऐसी बीवी हो कि उसके लड़ाई और झगड़े क्या हो, तहज्जुद नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़े, पानी छिड़के उसको उठाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि उसकी नमाजें ना खराब हो, उसको तहज्जुद गुजार बनाए, फजर गुजार बनाए। आयत नंबर 75 ऐसे लोग फिर सबर का फल बुलंद मंजिल की शक्ल में पाएंगे, आदाब और तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और वो मकाम। ऐ मोहम्मद सल्लम लोगों से कहिए मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है, अगर तुम उसको ना पुकारो अब के तुमने झुटला दिया है, अन करीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हमारी ये सूरत इख्तिताम को पहुंची, सूरतुल फुरकान। अब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे सूरतुश्शोअरा, तो पहले हम तिलावत सुन लेते हैं इंशाल्लाह, सूरतुश्शोअरा की तिलावत सुन लेते हैं। आया
जी शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुश्शौरा। तो हम देखते हैं कि कुफार मक्का आपकी तबलीग का इनकार करते थे, कभी निशानी मांगते थे, कभी आपको शायर और मजनून कहते थे। तो इस सूरत में जो है अल्लाह ताला की सिफात अज़ीज़ुर्रहीम 9 बार आया है, जो कि अल्लाह ताला जो बहुत ज़बरदस्त और रहीम है, तो हम उसको भी देखेंगे। इस सूरत में ईमान ना लाने वाले कौमों पर अज़ाब का जिक्र भी है। तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तौसीन मीन तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन की आयात है, यानी कुरान मजीद जो बहुत वाजे है, वाजे करने वाला है तमाम बातों को, अहकामात को जो उसके अंदर बयान हुए हैं। ऐ मोहम्मद सल्लम, शायद आप इस गम में अपनी जान को खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि उनकी गर्दने उसके आगे झुक जाएं, यानी फिर ये इनकार ही ना कर सके। उन लोगों के पास ईमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है, ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब के ये झुटला चुके हैं, अनकरीब उनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी, जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। अवलम यरो इलल अर्दी कम अम्बतना फी मिन कुल ज़ौजिन करीम, क्या उन्होंने जमीन पर कभी निगाह नहीं डाली, यानी सिर्फ सूरज और चांद सितारों को नहीं देखे बल्कि जमीन पर भी गौर करें, और खुसूसन जब पत्थरों के बीच छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं तो उनको भी गौर करें, छोटी छोटी चीजों को भी देखें, कायनात की निशानियों में गौर करें। और क्या उन्होंने जमीन पर कभी निगाह नहीं डाली, कभी तो देखें कौन उगाता चला जा रहा है जमीन के अंदर ये सब कुछ, कि हमने कितनी कसीर मिकदार में, थोड़ी नहीं, बहुत नहीं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में मुख्तलिफ वैरायटी के पौधे उगाए और फिर कसरत के साथ उगाए, हर तरह की उम्दा नबातात में उसमें पैदा की है। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं है। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम है, रहीम भी है। लहुवल अजीजुर रहीम वइन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। तो ये अजीजुर रहीम जो है इस सूरत में, यानी सूरतुश्शौरा में 9 बार आया है। तो हम देखते हैं कि अजीजुर रहीम के क्या माने हैं। वइन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, सूरतुश्शौरा में ये 9 बार आया है। आयत नंबर 9, आयत नंबर 68, 104, 122, 140, 158, 175, 199, 217, आयत 9, आयत 68, आयत 104, आयत 122, आयत 140, आयत 158, आयत 175, आयत 191, 217। अलजीज से मुराद ऐसी बस्ती जिसका, ऐसी हस्ती जिसका कोई अदराक ना कर सके, यानी अल्लाह ताला की सिफात है, अल्लाह के मुतालिक बताया जा रहा है। और वो हस्ती मखलूकात से बहुत बुलंद होती है, जिसका मर्तबा बुलंद हो, जो किसी का मोहताज ना हो, जो किसी के आगे झुकता नहीं, जिस तक रसाई पाना मुश्किल है, बस कयामत के आखिरत में ही अल्लाह का दीदार होगा। अकल और फहम से इतना दूर होता है कि उसका इहाता अकल से नहीं किया जाता। जैसे हमें कुरान में आता है कि अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के आंखों से देखते हैं, तो ये सब हमारे फहम और इदराक में आ ही नहीं सकती। जो अपनी जात से बेनियाज हो, अल्लाह समद अल अजीज और रहीम 9 मरतबा सूरतुश्शौरा में आया है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये अजीज हो गया, अब रहीम देखते हैं। अर रहीम भी देख लें क्या मतलब है, ये अल्लाह ताला की सिफात है। वइन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, मैं बता चुकी कि कितनी सूरतों में कितनी बार आया, 9 बार। अर रहीम से मुराद मखलूक की दुआएं सुनने वाला, वो गालिब है जिसको मगलूब नहीं किया जा सकता, मिस्कीनों की फरियाद रसी करने वाला, सबके साथ शफकत का मामला करने वाला, ख्वाह उसकी अताअत की जाए या ना की जाए। काफिर दहरियों मुशरिकों सबको दे रहा, इवन मुसलमान भी उसकी अताअत नहीं करे तो उसको भी घर बच्चे खाना पीना रिस्क असिस्टेंस प्रोविजन हर चीज से नवाजी, ये है अल्लाह ताला। और अच्छा, अब आयत नंबर 10, वइज़ नादा रब्बुका मूसा, उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जा, फिरौन की कौम के पास, क्या वो नहीं डरते। उसने मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझे झुटला देंगे, मेरा सीना घुटता है और मेरी जबान नहीं चलती। आप हारून अलैहिस्सलाम की तरफ रिसालत भेजे, जब कभी आप हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो ना कि किसी को पैगाम पहुंचाना हो, किसी को कुछ देना हो, पैगाम पहुंचाना हो, कोई बात समझानी हो, तो उस वक्त एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की वही दुआ हम पढ़ लेते हैं। चलें, दुआओं का ही आज पारा है।
रब्बी शराली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। उसके बाद अल्लाहुम्मा इहदी कल्बी वसद्दिद लिसानी वस्वुर सखीमता कल्बी। ठीक है, ए अल्लाह मेरे दिल को रहनुमाई अता कर, मेरी जबान को दुरुस्तगी अता कर और मेरे दिल के कीने को दूर कर दे। तो आप क्या करें, ये दुआएं पढ़ लीजिए, पढ़ लिया करें तो आप बात जब भी किसी को पहुंचाना। तो इंशाल्लाह सब जब दिल खुले दिल के साथ हम किसी से बात करेंगे तो दूसरे के अंदर सुनने की सलाहियत भी ज्यादा हो गया। आयत नंबर 14, वलहुम अलैया ज़म्बुन फअखाफु अन यक्तुलूनी, और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्ज़ाम भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। कौन सा इल्ज़ाम? जो सूरह कसस में बयान हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम फिरौन के एक शख्स को एक इसराइली से लड़ते हुए देख कर उसको घूसा मारा और वो मर गया। ठीक है, वो बचाने गए थे क्योंकि वो लड़ रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसने बुलाया, मूसा समझाए और ताकि उसको बचा लें, तो उसको घूसा मारा तो क्या हुआ कि वो मर गया। इतने मजबूत थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो काला फरमाया, कल्ला हरगिज नहीं, फर्ज हबा तुम दोनों जाओ। जब इंसान किसी तबलीग करने निकलता है तो अपनी गलतियां याद आने लगती है और ये बहुत नेचुरल है। मैं किस मुंह से दूसरे से बात करूं, कैसे उसको बताऊं, मैं तो खुद भी बहुत सी गलतियां करती हूं, मैं तो एक गुनहगार इंसान हूं, मुझे तो हक ही नहीं पहुंचता कि मैं किसको नसीहत करूं। हर इंसान इंसान है, उससे कमी बेशी होती है, लेकिन ये भी मेरी बहनों एक फरीजा है और इस फरीजे की बरकत से इंसान के गुनाह भी माफ होते हैं, बुराइयों से बचने की सलाहियत भी अल्लाह दे देते हैं। तो हमें जरूर बात आके पहुंचानी चाहिए, अल्लाह का कलाम फैलाना चाहिए। हमारी निशानियां, अल्लाह ने फरमाया हमारी निशानियां लेकर जाओ उसके पास, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जा, उससे कहो हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। आए थे तीन, फिरौन ने कहा, अब फिरौन बजाय इसके के सवाल का जवाब देता पिछली बातें ले बैठा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और फालता और उसके बाद तू कर गया जो कुछ तू कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, तुझे याद है तुमने का क्या किया था? यानी फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को ताने दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बहुत ही भले मानस अंदाज में, बगैर ऑफेंड हुए हुए, डिफेंसिव हुए हुए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा उस वक्त वो काम मैंने नादानस्तगी में किया था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गलती का एतराफ कर लिया कि मुझे नहीं मालूम था, और यही अच्छा तरीका होता है कि इंसान गलती का एतराफ कर ले। फिर तुम्हारे खौफ से भाग गया, यानी कितनी सच्ची बात भरे दरबार में कि मैं तुम्हारे खौफ से भागा। जितना सच बोलेंगे हम उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, हमारे अंदर इत्मीनान ज्यादा होगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। अपनी नेमतों का भी जिक्र उनकिया, अपनी कोताही का भी, अपनी मुश्किल का भी, अपनी नेमत का भी। रहा तेरा एहसान, इससे पता चला कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों चुना, कि कितने खूबसूरत जवाब है। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, यानी फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। मैं तेरे घर में क्यों पलता, मैं अपने घर में क्यों ना पलता? अगर तूने हमारी कौम को गुलाम ना बनाया होता और तू बेटों को जबान ना कर रहा होता। फिरौन के पास कोई जवाब नहीं। फिरौन कहता है वमा रब्बुल आलमीन, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? फिर छेड़ रहा है, ये नहीं कि मालूम करना है उसको। मूसा अलैहिस्सलाम अभी बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, ये नहीं कि कहा कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो आसमान के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वालों। फिरौन ने अपने गिर्दोपेश के लोगों से कहा सुनते हो, अल्लाह तस्तमीउन काला रब्बुकुम रब्ब आबाएकुम अव्वलीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा रब्बी और तुम्हारे उन आबाओ अजदाद का रब्बी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने हाजिन से कहा तुम्हारे रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए बिल्कुल ही पागल मालूम होते, यानी इतनी समझदारी की बातें, इतनी सच्ची बातें सुनकर फिरौन पागल करार दे रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को। हम देखे आज भी ऐसे ही करते हैं लोग। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जुमले को गोया सुना ही नहीं, अगर कोई हमको पागल कहे तो उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम सारा काम छोड़कर पागल का जवाब देने लगेंगे और खुद पागल हो जाएंगे। हम यही करते ना,
लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को इग्नोर कर दिया, गोया सुनाई ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक़ और मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे। इससे पता चलता है कि उसकी हुकूमत में जो शख्स तौहीद का दावा करता उसको जेल में डाल देता था। आज हम कितने खुलेआम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और अल्लाह को अपना रब मानते हैं, तो इस दौर में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दौर में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो इस आज़ादी की मेरी बहनों हमें कदर करनी चाहिए, जो आज़ादी हमें मिली हुई है दीन की इन मुल्कों में, और जितना हो सके उसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें। मूसा ने कहा, अगरचे मैं ले आऊँ तेरे सामने एक सही चीज भी। फिरौन ने कहा, अच्छा तू ले आ अगर तू सच्चा है, यानी मौजजात दिखाना चाह रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम। और इससे पहले जमीन हमवार की और पूछा भी, इसकी जबान से ये बात निकलती, मूसा ने अपना आसा फेंका और यकायक वो सही अजदा था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा, वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। ये मौजे थे मूसा अलैहिस्सलाम का। अच्छा अब जरा सा हम देखें ना, इसको इमेजिन करें इस सीन को, कि सांप दौड़ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी से हाथ चमक रहा है, सारा माहौल रोशन हो गया। जो तो क्या हुआ, जो लोग संजीदा नहीं होते वही ये मुतालबे करते हैं, अल्लाह ताला को दिखा दो, फरिश्तों को दिखा दो, ये मुतालबे होते हैं ना, ये निशानी दिखा दो, वो मौजा दिखा दो। जब मौजा आ जाता है फिर उससे बड़ी चीज का मुतालबा करते हैं या उसकी तहकीर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिरौन अपने गर्दो पेश के सरदारों से बोला, ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, मौजे को जादू करार दे दिया। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो। उन्होंने कहा, इसे उसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हर कारे भेज दीजिए कि हर सियाने जादूगर को आपके पास ले आए। सारे एक्सपर्ट्स आए गए, माहिरीन आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे। चुनाचे एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठा कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम इज्तमा में चले जाओ, शायद के हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाए अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर हम गालिब रहे। आपको पता है बादशाह तो ऐसी करतब पे इनाम दिया करता था ना, पैगंबर इनाम नहीं मांगते, जजा नहीं चाहते, लेकिन जादूगर, क्योंकि पैगंबरों को जादूगर भी कहा जाता था, तो जादूगरों का अखलाक और किरदार और मामलात और काम और शुगल मशगूलियत कुछ और होती है और पैगम्बरों के तौर तरीके कुछ और होते हैं। खाला नाम, उसने फिरौन ने कहा, और तुम तो उस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे, बेइज्जती फिरौन हम ही गालिब रहेंगे। तो हमें क्या हुक्म है, किसकी इज्जत की पनाह लेकर दुआ करें, अल्लाह की। अब वो दुआ है ना जो तकलीफ के वक्त पड़ी जाती है, जिसमें हम अल्लाह की इज्जत की पनाह लेते हैं, तो हम दुआ देखते हैं। उस्मान बिन अबी आस कहते हैं कि वो नबी ससम के पास हाजिर हुए, कहते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ थी कि करीब था कि मैं हलाक हो जाता, यानी वो तकलीफ मुझे हलाक कर देने वाली थी। तो नबी ससम ने मुझसे फरमाया कि दर्द की जगह पर अपना दाया हाथ रखो, जहाँ दर्द है वहाँ दाया हाथ रखो और 7 मरतबा कहो, आऊज़ु बी इज़्ज़तिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्री मा अजिदू व उआज़िरू। अल्लाह के नाम के साथ मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की इज्जत की, मैं अल्लाह की इज्जत की पनाह लेता हूँ और उसकी कुदरत के उस शर से जो मैं महसूस करता हूँ और जिससे मैं खौफ महसूस करता हूँ। तो उस्मान कहते हैं कि जब मैंने इस तरह पढ़ा तो अल्लाह ने मुझे शिफा दी। तो हम किसकी इज्जत की पनाह मांगते, अल्लाह की इज्जतिल्लाह। और उसने क्या कहा, जादूगरों ने क्या कहा, भी इज्जती फिरौन। ठीक है, तो ये दुआ जो है पेन किलर है, ये बहुत जबरदस्त है, इसको पढ़ते हैं पढ़ने से, लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ लफ्ज नहीं दोहराइए, वजीफे के तौर पे नहीं पढ़िए, बल्कि महसूस कीजिए कि अल्लाह की इज्जत, लिल्लाहि इज्जती जमिया, सारी इज्जत है ही, सारी इज्जत है अल्लाह की और कुदरत अल्लाह की। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत करता है, मेरे इस दर्द और तकलीफ को भी दूर कर सकता है। तो जिस यकीन के साथ इसको पढ़े और इस सुन्नत पर अमल करें, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ती हैं, ये तो एक तस्कीर है, ये महफिल तो एक याद दहानी होती, एक जिक्र होती है। आयत नंबर 45, पाल खा मूसा असाओ फैजा या तलकफु मा या फिकून। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो उनके छोटे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। वो उनके जो सांप थे ना,
जादू के सांप उनको हड़प करता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का असा। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो उनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। उस पर जादूगर बेख्तियार सजदे में पड़ गए, उनको समझ आ गई, बोल उठे कि हम मान गए रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब के। फिरौन ने कहा, मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता, जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, पहले मौजे को जादू बताया और अब जादूगरों के ईमान लाने को क्या बताया। फिरौन ने ये कुछ साजिश की थी तुमने पहले से, अच्छा अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा, यानी दाया हाथ और दाया पांव, और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हुजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। यानी हम देखते हैं कि ईमान क्या चीज होती है कि जिसके बाद फौरन इंसान को अपनी गलतियां नजर आने लगती है और उन गलतियों को माफी चाहता है। तो जादूगरों ने कहा, अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाए। तो नेकी में आगे बढ़ने का भी अजर व सवाब होता है, एक फायदा और फायदा होता है। वह औहैना इला मूसा, हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदे को लेकर, मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। उस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहता है, यानी जिस चीज का उसने दावा किया उसी में मार खा गए। फाखरजनाहुम मिन जन्नाति व उयून व कुनूज व मकाम करीम फज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराइल, इस तरह हमने उन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयाम गाहों से निकाल लाए। किसको? फिरौनियों को। यानी पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकली और फिर उनका उनका पीछा करने के लिए फिरौन और अपने सारे लश्कर के साथ निकल आए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने उन सब चीजों का वारिस कर दिया। अब क्या हुआ? सुबह होते ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए, क्योंकि आगे समंदर था, पीछे फिरौन के लाओ लश्कर आ रहे थे और बीच में बनी इसराइल। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, कल्ला इन्ना मैया रब्बी सयादीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर, यकायक समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। यानी उनकी लाठी पड़ी तो जहां लाठी पड़ी वो जगह सड़क बन गई और पानी दोनों तरफ रुक गया और वॉल बन गया। इसी जगह हम दूसरे गुरु को भी करीब ले आए, मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया, यानी फिरौन को, फिरौन के लश्कर को गर्क कर दिया। जब फिरौन और उसके साथियों ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथी निकलते जा रहे हैं तो उन्होंने धड़ाधड़ समंदर में इस सड़क पर पांव रख दिए और सारे के सारे ऊपर सवार हुए, खुद ही पानी के अंदर आ गए और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनी इसराइल को तो गुजार दिया। सुम्मा अगरखनल आखरीन, लेकिन दूसरों को जो पीछा कर रहे थे उनको डुबो कर रख दिया। इन नफी ज़ालिका लआयाति वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन वइन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, अज़ीज़ुर रहीम आ गया अल्लाह के सिफ़ाति नाम। इस वाक़े में एक निशानी है मगर उन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं है, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। आज जाके देखेगा सूरह शोरा को 9 दफा है और जरूर अज़ीज़ुर रहीम को ये गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने कहाँ इस सिफ़ात का जिक्र किया है। क्या मतलब है? वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम, और उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनको हम पूजा करते हैं, उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? ये बहुत सॉलिड सवाल है, क्योंकि नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और हमें भी नमाज के बाद ये जरूर दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफऊ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। आप नमाज के अस्कार में पढ़ती है ना ये, ऐ अल्लाह जिसे तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तू ना दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी मर्तबे वाले की बुजुर्गी तेरे सामने कोई फायदा नहीं देती है। ये नमाज के अस्कार में से एक अस्कार जिक्र है जो मैंने किया। قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, उन्होंने जवाब दिया, नहीं हमें कोई फायदा तो नहीं देते बल्कि हम अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा?
देखा भी जिनकी तुम बंदगी करते हो और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे, यानी अपनी अकल से भी तो काम लो, आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हो उनको। मेरे तो ये सब दुश्मन है बज एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया है, अल्लज़ी खलकनी फहुवा यादीन जिसने मुझे पैदा किया और मुझे हिदायत दी, वल्लज़ी हुवा युतिमुनी वयस्कीन और वो मुझे खिलाता और पिलाता है, वईजा मरितु फहुवा यशफीन और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ये सारी आयतें जो बयान करें तो मुझे इतनी पसंद है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन और वही मुझे मौत देगा फिर दोबारा जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जज़ा में वो मेरी खता माफ फरमा देगा। ये है रब्बुल आलमीन जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते थे, उसके बरक्स पूरी कौम आंखें बंद किए हुए इन बेजा बुतों की पूजा में लगी हुई थी, जो कुछ कभी नहीं करते ना खिलाते ना पिलाते हैं। यानी मुझे बताओ तुम्हारे बुत तुम्हें क्या देते हैं कि तुम उनकी इतनी सेवा करते हो, और मेरा रब तो मुझे इतना कुछ देता है तो तुम मेरे रब की पैरवी क्यों नहीं करते। उसके बाद उन्होंने ये दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी, चले हम दुआ मांगते हैं, आप लोग भी स्क्रीन पे देखें अल्लाह ताला से, और अमीन कहिएगा, अमीन कहिएगा। रब्बी हबली हुक्म वालिकनी बिस्वालिहीन वजल्ली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन वजल्ली मिन वरसती जन्नतन जन्नतिन नईम वला तुखजिनी यौमा युबसून। ए मेरे रब मुझे क़ुव्वत फैसला अता फरमा, मुझे नेक लोगों से मिला दे और बाद में आने वालों में मेरी सच्ची नामवरी बाकी रख, और मुझे नेमतों भरी जन्नत के वारिसों में से बना दे, और मुझे रुसवाना करना जिस दिन वो लोग उठाए जाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। चले अब हम इससे पहले किस पैगम्बर ने सवालीन के दुआ की थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही की थी, वालहिक ने भी सवालीन, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होता है। तो अमाम हदीस मुबारक है, अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में पूछा कि कब कायम होगी, कयामत किस दिन आएगी। आप ससन ने फरमाया तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या कोई प्रिपरेशन किया। उसने अर्ज किया कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सरसम ने फरमाया फिर तुम उन्हीं के साथ हो गए जिसके साथ तुम मोहब्बत रखते हो। अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें कभी किसी बात से इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी ये हदीस सुनकर हुई थी कि तुम उन्हीं के साथ हो गए जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अनस रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं भी नबी ससम से अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत रखता हूँ, और उनसे अपनी इस मोहब्बत की वजह से उम्मीद रखता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ अगरचे मैंने उन जैसे अमल नहीं किए। तो हम सब भी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन उन सबसे मोहब्बत करते हैं, अगरचे हमारे अमल कुछ भी नहीं तो मोहब्बत बहुत से फासले तय कर देती है। करीब के लोगों को मोहब्बत ना हो तो दूर कर देती है, और दूर के लोगों को मोहब्बत हो तो करीब कर देती है। इंशाअल्लाह अज़ीम आखिरत में फायदा दे, और वो है नेक लोगों की मोहब्बत, मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शहदाय व सालिहीना व हसनो उलाइका रफीका। ये कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे साथी हैं, सूरह नसा आयत 69 में बताया गया। वजअल्ली लिसाना सिदकिन आयत नंबर 84 वजअल्ली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर। वजअल्ली मिन वरसति जन्नतन जन्नतिन नईम और मुझे जन्नत नईम के वारसों में शामिल कर ले। वाग़फिर ली अभी और मेरे बाप को माफ कर दे बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा ना करना जबकि लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फायदा देगा ना औलाद। अब जो है देखें हम सोचने की बात है कि कयामत के दिन इनमें से कोई काम नहीं आएगा, ना माल ना औलाद, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। अगर हमारे नामा-ए-आमाल में नेक अमल कम हुए तो कोई अपने आप को नहीं देगा, और माल तो यहाँ रह जाएगा, वहाँ हमारे साथ कुछ आप उससे कुछ और खरीद नहीं सकेंगे। उस वक्त ना सत्ता करके कोई ने क्या कमा सकेगी, ये जो आज कर सकते हैं। तो जिस दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, तो उस दिन की तैयारी अभी से करनी। नंबर 89 इल्ला मन अतल्लाही बिकल्बिन सलीम सिवाय उसके जो शख्स कल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। कल्ब सलीम के लिए, कल्ब सलीम की अलामत क्या होती है, निशानियाँ क्या होती है, हदीस मुबारक, हाँ ये हम देख लेते हैं क्या निशानियाँ है कल्ब सलीम। इल्ला मन अतल्लाह भी कल्ब सलीम, तो कल्ब सलीम में है इसकी, कल्ब सलीम क्या होता है, इसकी पांच
कल्बे सलीम की 5 सिफात होती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। असलमा, वो अल्लाह के लिए मुती है, ठीक है, अल्लाह का मुती, अल्लाह का फरमाबर। और दूसरी है सल्लमा, उसने रसूल अदात कबूल की। इस्तस्लमा, उसने अल्लाह की कजा और कदर के फैसले को कबूल कर लिया, अपनी किस्मत पे राजी होगा, आए वाए वाविले रोना धोना नहीं करता है, सबर करता है, अच्छी हो बुरी हो। والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت, हमें सिफत ईमान मुजम्मिल में पढ़ा है ना कि हमारा ईमान होते होना चाहिए। सलीमा, वो हर उस चीज से सलामती में आ गया, पाक हो गया, जो अल्लाह के जिक्र और इबादत से दूर करने वाली है। सालमा, उसने अल्लाह के दोस्तों से सुलह की और अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी की। जिनमें ये 5 सिफात हुई, उनका दिल कल्ब सलीम है और ये कल्ब सलीम उसकी निजात का बाइस होगा। इलाही, हमें भी ऐसा कल्ब सलीम दिल अता फरमा दीजिए कि हमारी भी निजात हो जाए। ये सब लोग आमीन बोला, हमारे भी निजात करवा दीजिए अल्लाह, ऐसा कदर हमें कल्ब सलीम अता फरमाई। फिर हदीस मुबारक है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, आप सबने फरमाया हर पाक साफ दिल वाला कल्बे सलीम। किसका है? पाक साफ दिल वाला, जबान का सच्चा। लोगों ने कहा जबान के सच्चे को तो हम पहचानते हैं, लेकिन पाक साफ दिल वाला कौन है? फरमाया परहेजगार, साफ सुथरा, जिसके दिल में ना गुनाह हो, ना जुल्म हो, ना कीना हो, ना के हसद हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इल्ला मन अतल्लाह भी कल्ब सलीम, यानी दिल देखे जाएंगे बेसिकली हमारे के दिलों में क्या है, नियतों में क्या है, इरादे कैसे थे, ख्वाहिशात क्या थी, तमन्नाए आरजुएं क्या थी, किसके लिए जीते थे, किसके लिए मरते थे। 90 व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, व बुर्ज़तिल जहीमु लिल गावीन, अस्तग़फिरुल्लाह, उस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है वो जिनकी तुम खुद खुदा को छोड़कर इबादत करते थे, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं। फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सबके सब इसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। या अल्लाह, चले दुआ कर लेते, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाह में आग के अजाब से बचा लीजिएगा। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे अल्लाह की कसम हम तो सरी गुमराही में मुब्तला थे जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे, गलती हमारी थी और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना कोई हमारा सिफारशी है ना कोई जिगरी दोस्त, काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो। आयत 103 इन नफी जालिका ला आया तो ममाकाना अक्सरुम मोमिनून, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। वइन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, फिर आ गया अज़ीज़ुर रहीम, और हकीकत ये कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। सुभान अल्लाह, यानी लोगों को फौरन नहीं पकड़ता लेकिन जबरदस्त है कि हर एक को पकड़ने की कुव्वत रखता है। कज़बत कौम नूहिन मुरसलीन इसकाल लहुम अकूम नून अल्लाह तत्तकून, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, अपने रसूल को झुटलाया, लेकिन यहाँ क्या क्या गया, सबको झुटलाया, क्योंकि एक रसूल को झुटलाना दरअसल सबको झुटलाना होता है। वइस काल लहुम अकूम नून अल्लाह तत्तकून, जब नूह ने उनसे कहा था कि क्या तुम डरते नहीं हो, और नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, उनके भाई यानी पैगम्बर अपनी कौम का भाई होता है, मैं तुम्हारे लिए एक अमानत और दार और रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी अतात करो। उन्होंने जवाब दिया क्या हम तुझे मान लें हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने अख्तियार की है। आपको पता है ना, गरीब लोग ही सबसे पहले पैगम्बरों को मानते थे, ईमान लाते। नूह ने कहा मैं क्या जानू कि उनके अमल कैसे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे, काश तुम कुछ शऊर से काम लो, मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाए उनको मैं धुतकारूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे कर देने वाला आदमी, नूह अलैहिस्सलाम हो या दूसरे पैगम्बर हो, उन सब पर सबसे पहले ईमान लाने वाले गरीब तबके के लोग थे। अब जो ईमान ले आता वो अल्लाह की नजर में भी बहुत महबूब हो जाता और रसूल की नजर में भी, लेकिन आम दुनियादार लोग जो जाहिर परस्त होते हैं वो किसी को सिर्फ उसके लिबास से, उसके हाल हुलिये से, उसकी गुफ्तगू से पहचानते हैं, उसके मुताबिक उसको वैल्यू देते हैं। और ईमान तो दिल में होता है जो दुनिया की हर चीज से ज्यादा वज़नी है,
लेकिन वो उनकी नजर में नहीं आता, वो तो पैगंबरों से या दाई हक से क्या मुतालबा करते हैं कि इनको अपनी मजलिस से उठा लीजिए, ताकि हम जो इलीट क्लास लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, वो बैठ सकें। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसे मना किया और नूह अलैहिस्सलाम की जबानी कहलवाया कि फिर मैं रब को क्या जवाब दूंगा अगर मैं उन्हें अपनी मजलिस से निकाल दूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे कर देने वाला आदमी हूँ। यही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ कही गई थी ना, असल बात यह कि जो नहीं मानने वाले होते हैं उनके अंदर एक तकब्बुर होता है, और उस तकब्बुर की वजह से, इस गुरूर की वजह से, उस प्राउड की वजह से ऐसी बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा ऐ नूह अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। नूह ने दुआ की ऐ मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया, ऐ मेरे रब उनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और मोमिन मेरे साथ है उनको निजात दे। अंजई ना हूँ अमम माहू फिलफुल किल मशहून, आखिर हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी कश्ती में बचा लिया और उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया, बाकी लोगों को गर्क कर दिया। इन नफीजा लिकायतम वमा काना अक्सर मोमिनून व इन रब का लहूल अजीजुर रहीम। फिर आ गया अजीज रहीम, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें अक्सर लोग मानने वाले नहीं है, और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। इसको तो आप याद कर ले, इस सूरत को देखेगा, लहुवल अजीजुर रहीम, तेरा रब जबरदस्त भी है, पकड़ने पर कादिर है फिर भी नहीं पकड़ता, और रहीम भी है। कज़बत आदुल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा था क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। पैगम्बर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत करो, वो क्या कहते हैं मेरी अतात करो और इबादत अल्लाह की करो। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तो ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो, यानी और तुम्हारे पास कुछ करने को तो नहीं सिवाय इन बेकार कामों के। और ये हकीकत है कि जिस कौम की अक्सरियत गरीब हो फकीर हो, यानी दो वक्त की रोटी के मोहताज हो, उस कौम को इस तरह के मोन्यूमेंट्स बना कर देना, उसके साथ खेलना है, मजाक उड़ाना है। وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, और बड़े बड़े कसर तामीर करते हो, महल तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है। वइज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जब्बारीन का बनकर डालते हो। वत्तकुल्लाह वातियून, तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी अतात कबूल करो। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम, डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया। बिमा तालमून, जो तुम जानते ना थे। अमदतकुम बिल अनामी व बनीन, अमदतकुम बिल अनामी व बनीन, तुम्हें जानवर दिए और औलादे दी, बाग दिए और चश्मे दिए। मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेमते गिनवा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए सब यकसा, ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में मुब्तला होने वाले नहीं है। आखिरकार उन्होंने उसे जुटा दिया और हमने उनको हलाक कर दिया, यानी कौम आद हूद की कौम। 8 दिन और 7 रातों तक ऐसी मुसलसल ऐसी तूफानी हवा चलती रही जिसने हर चीज तबाह कर डाली। उसके जोर का ये आलम था कि उसने आदमियों को उठा उठा कर फेंक दिया, और इस गर्मी की शिद्दत का यह हाल था कि जिस चीज पर गुजर गई उसे बोसीदा करके रख दिया। और ये तूफान उस वक्त तक ना थमा जब तक उस जालिम कौम का एक एक मुतनफस खत्म ना हो गया। एकाफ का पूरा इलाका एक खौफनाक रेगिस्तान बन चुका। तो ये था अजाब, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं है, और हकीकत ये है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। फिर अल अजीज और रहीम आ गया। कज़ब समूद अल मुरसलीन इसकाल लहुम अखूहुम सालिहुन अल्ला तत्तकून, और समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो मेरी अतात करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। यानी पैगम्बर दीन की तबलीग करके लोगों से माल तलब नहीं क्या करते, क्या तुम इन सब चीजों के दरमियान जो यहाँ है बस यूं ही इत्मीनान से रहते चले जाओगे इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं। तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो, यानी जरूरत की नहीं मॉन्यूमेंट्स। ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, हर दौर में एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमारी तो टेक्नोलॉजी आपको पता है ना कि अभी हम सब कहाँ कहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं बात कर।
अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, इन बेलगाम लोगों की अतात ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इसलाह नहीं करते। तुम सवाले के पैगम्बर, कौम सवाले के पैगम्बर ने आकर अपनी कौम को क्या बताया कि तुम सवाले अफराद को अपने रोल मॉडल बनाओ, मुफसदीन को नहीं। हदीस मुबारक है, अबू दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज रोजे और ज़कात से अफजल दर्जे का अमल ना बताऊं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुआ ने अर्ज किया, क्यों नहीं। फरमाया, आप में आपस में सुलह करवाना यानी फसाद खत्म करना और लोगों में फूट और फसाद डालना भी दीन को मून देने वाली चीज है। तो हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को फसाद और झगड़े से बचने के लिए कहा और जो लोग इससे बचते नहीं उन्होंने एक पेशा बना रखा है सिर्फ लड़ाई झगड़े को, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। उस हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और रमजान में तो रोज ही खुले होते हैं ना, रमजान आने वाला, और हर उस बंदे को बख्श दिया जाता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता सिवाय उन दो आदमियों के जिनके दरमियान आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन दोनों को छोड़े रखो यहाँ तक के आपस में सुलह कर ले। तो तीन दिन से ज्यादा अगर किसी मुसलमान बहन या भाई से बात नहीं की तो अमाल नामे पीर जुमेरात को पेश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि फॉरगिवनेस जो हमारी जो है पोस्टपोन कर दी जाती है। तो अगर किसी से नाराजगी है मेरी और आपकी कि कोई हमसे हर्ट हुआ हुआ है तो खुद झुक जाए, ह्यूमिलिएट हो जाए अपना अमाल नामा अच्छा करने के लिए, अल्लाह की खातिर झुक जाए, फोन कर ले, मैसेज कर ले और उनसे सुलह कर ले। तो उनकी भी गलती हो तो आप सॉरी कर लें ताकि हमारे अमाल नामे पेश हों फिर जुमेरात। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहर ज्यादा आदमी है, तुम पर भी जादू हो चुका है। आयत नंबर 154, तो हम जैसा एक इंसान के सिवा और क्या है, यानी तुम इंसान ही तो हो, लाओ कोई निशानी अगर तुम सच्चे हो। सवाले अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का, इसको हरगिज ना छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुम पर आ जाएगा। ये वही ऊँटनी थी जो उनके मुतालबे पर पत्थर की एक चट्टान से बतौर मौजजा जाहिर हुई थी, उसको हरगिज ना छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कूचे काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए। उसके हाथों और पैरों को जख्मी किया उन्होंने जिससे वो बैठ गई और फिर उसे कत्ल कर दिया, अजाब ने आ लिया। ये अजाब जमीन से भोचाल जलजले और ऊपर से सख्त चिंगार की सूरत में आया था जिससे इन सबकी मौत वाकई हो गई। इसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। कज़्ज़बत कौम लूतिन अल-मुरसलीन, लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। हजरत लूत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन आज़िर के बेटे थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। क्या? लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, इसलिए लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम था हारान बिन आज़िर। उनको इब्राहिम की लूत अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही नबी बनाकर भेज दिया गया था। लूत की कौम ने रसूलों को चुताए, याद करो जबकि उनकी कौम उनकी भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो। भाई इसलिए कहा गया है कि पैगम्बर जो है भाई होता है ना, मैं तुम्हारे लिए एक अमानत और अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो, मैं उस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे। देखें ये सारे पैगंबर यही कह रहे कि हमारा अजर किसके पास है, अल्लाह के पास है। तो पैगंबर लोगों से तबलीग के काम पर अजर नहीं मांगते, सिला नहीं मांगते। अतातून जुकराना मिन अल आलमीन, क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो। इस फेल को जो है जो ये जो बद फेल था कौम लूत का, लवातत से ताबीर दिया गया है, यानी वो बदफेली जिसका आगाज कौम लूत से हुआ अब ये बदफेली पूरी दुनिया में आम है और ऐसे कुछ मुल्कों में कानून इसको इस कानून को जायज तस्लीम कर लिया गया है। गे मैरिजेस वगैरह अल्लाह ताला ने निकाह शरी के जरिए से औरत की फुर्ज से अपनी जिंसी ख्वाहिश की तस्कीन को हलाल करार दिया है और उसके लिए मर्द की दुबर हराम करार दी है। कौम लूत ने औरतों की शर्मगाहों को छोड़कर मर्दों की दुबर इस काम के लिए इस्तेमाल की और यूं उसकी हद से
अल्लाह की हद से तजावुज कर ली, अल्लाह की हद से बाहर निकल आए तो अजाब इलाही के मुस्तहिक हुए। और तुम्हारी क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। कालू लैन लम तंतही या लूतू लतकूनन्ना मिनल मुजरिमीन, उन्होंने कहा ए लूत अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। यानी इससे पहले जिसने भी हमारे खिलाफ जबान खोली या हमारी हरकतों पर कोई एहतजाज किया या हमारी मर्जी के खिलाफ काम किया है उसे हमने बस्ती से ही निकाल दिया। और यहाँ सिर्फ एक ही जैसे लोग रहते हैं जिनका एक ही इंटरेस्ट है यानी मर्द मर्द से। उसने कहा तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ, ऐ परवरदिगार मुझे और मेरे अहले आयाल को इन बदकिरदारियों से निजात दे। अब लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, यही हम सबको करना चाहिए, जब हम अपना मैसेज कन्वे कर दें और दूसरी तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो जाए तो हम अपने रब का दामन थाम लें, दुआओं की कसरत कर लें, खूब खूब अल्लाह को पुकारें और जो है दुरूद पढ़े तस्बीहात पढ़े, अल्लाह ताला सुनने वाला है। तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन को पुकारा, क्या कहा, मुझे और मेरे अहलोयाल को इनके बदकिरदारियों से निजात दे। आखिरकार हमने उसे और उसके सब अहलोयाल को बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी यानी उनकी बीवी। फिर बाकी ईमानदार लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी 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 बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। अब इसमें जो है सूरत हूद में आयत 82 से 33 में इसका बयान आता है कि पत्थरों की बारिश यानी निशान जदा कंकर और पत्थर की बारिश से हमने उनको अजाब दिया था और उन बस्तियों को उलट दिया था। यानी निशान जदा थे कि किस पर गिरेगा, कौन सा पत्थर किस पर गिरेगा। यकीनन उसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब बड़ा जबरदस्त और रहीम है। कज़्ज़बा असाबुल ऐकतिल मुरसलीन, असाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया यानी मदियन वाले और असाबुल ऐका बिलाशुबा मदियन और असाबुल ऐका बिलाशुबा दो अलग कबीले हैं मगर एक ही नस्ल की दो शाखे हैं। उनमें एक ही पैगंबर मबूस हुए थे शुएब अलैहिस्सलाम। ऐका जंगल को कहते हैं, इससे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और बस्ती मदियन के अतराफ के बाशिंदे मुराद हैं। इस काल अलोम शुएब अल्लाह तत्तकून, याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था क्या तुम डरते नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी सारे पैगम्बरों की बातों में, सारे ही आकर अपने रब की बात करते हैं, कहते हैं कि तुम अपने रब से डरते नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम किसकी नाफरमानी कर रहे हो, इतनी सुपरफिशियल हस्ती अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्ला वातीउन, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्री इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। फिर वही बात कही उन्होंने भी कि अजर अल्लाह से है, तुमसे नहीं चाहिए। वाउफुल कैला वला तकूनु मिनल मुख्सरीन, पैमाने ठीक भरो, किसी को घाटा ना दो। ये लोग तिजारत पेशा थे कौम शुएब के लोग, तो उनका जो वीक पॉइंट था वो तिजारत थी और उसमें वो लोगों को नाप तोल में कमी करके देते थे। सही तराजू से तो लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो और उस जात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया। और उन्होंने कहा तू महज एक शहरज़ादा आदमी है, सेम इल्जाम जो दूसरी कौमों ने दी, और जो कुछ नहीं और तू कुछ नहीं मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे पागल झूठा समझते हैं, अगरचे तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, उन्होंने उसको झुटला दिया। आखिर खर छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था, उन्होंने उसको झुटला दिया यानी पैगम्बर को भी और उसके पैगाम को भी। वइन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीनन उसमें एक निशानी है मगर उनमें अक्सर लोग मानते नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है और ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज है। क्या कुरान मजीद, नज़ला बिही रूहुल अमीन, इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है यानी रूहुल अमीन उतरे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए। अला कल्बी का लितकूनु मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल पर ताकि आप लोगों में
आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो खुदा की तरफ से खल्क़े खुदा को मुतनब्बे करते हैं, डराते हैं। बिलिसानिन अरबी मुबीन, ये अरबी जबान अरबी मुबीन में आई है, ये यानी ऐसी अरबी जबान में आई है जो बिल्कुल वाज़े मुबीन साफ सुथरी है। वइन्नहु लफी ज़बूर ज़ुबरिल अव्वलीन, और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है, यानी इसका जिक्र पहली किताबों में भी आता है। अवलम यकुल्लहुम आयातुन अय्यालमु उलमाइन बनी इसराइल, क्या इन अहले किताब के लिए कोई निशानी नहीं है कि उसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? लेकिन अगर हम इसे किसी अजमी पर भी नाजिल कर देते, फकराहु अलैहिम, वो उसको उन पर पढ़कर सुनाता, तो वो ईमान लाने वाले ना होते। कज़ालिका सलकनाहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम इस जिक्र को मुजरिमों को दिलों में से गुजार रहे हैं। ला युमिनून बिही, वो उस पर ईमान नहीं लाते। हत्ता यरुल अज़ाब अलीम, यहाँ तक के दर्दनाक अजाब को ना देख ले। फयातीहिम बख्तन वहुम ला यशुरून, बस वो अचानक उनके पास आएगा जबकि वो बेखबर होंगे। ला यशुरून, शोर भी ना होगा उनको, ऐसा अचानक आएगा तो फिर उस वक्त वो कहते हैं क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? अफ़बी अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया अगर हम उन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज उन पर आ जाए जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो वो सामान अजीज जो उनको मिला हुआ है उनके किस काम आएगा? देखो हमने कभी किसी बस्ती को उसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके खबरदार करने वाले, हक नसीहत अदा करने वाले मौजूद थे और हम जालिम ना थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम करने के बाद ही तबाह करते हैं। इस किताब में मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे और ये काम उनको सजता भी नहीं और ना वो ऐसा कर सकते हैं। वो तो उसकी समाअत तक से दूर रखे गए, यानी सुनगुन भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, बल्कि जब वही आ रही होती है तो देखते भी नहीं है और वो कोशिश करते हैं शयातीन और जिन, तो उन पे आसमान से शाबे साखिब मारे जाते हैं। फला तदू मान, बस ए मोहम्मद अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो वरना तुम भी सजा पाए जाने पाए सदा पाने वालों में हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। वक्फ इस जना का लिमन तबाह का मिनल मुमिनी, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाजे से पेश आओ। इसमें हमें एक बहुत जबरदस्त अखलाक बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि एक दाही का हक क्या बनता है कि लोगों को हक बात बताए और जब वो उसको मान जाए तो फिर उनको सपोर्ट दे, उनको उनकी मदद करे। और उस वक्त दुनिया में हम देखते हैं कितने ही नॉन मुस्लिम जो हैं, जो मुस्लिम हुए लेकिन उनमें से एक बड़ी तादाद फिर वापस इस्लाम से निकल गई क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं थी, उनकी फैमिलियों ने उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मुसलमान हुए। उधर से मुस्लिम शादी करने को भी तैयार नहीं, कहते हैं हम ऐसे लड़के लड़की से शादी करें जिसका पीछे खानदान का ही हमको नहीं पता, और ये तो हमारी जिल्लत के, ये तो हमारी जात के नहीं, हमारे कल्चर के नहीं, और मालूम नहीं कैसी कैसी मेरी बहनों बातें करके उनको किसी किस्म की सोशल मॉरल सपोर्ट नहीं देते। नतीजा क्या होता है? जब बिल्कुल वो तनहा रह जाते हैं, मुसीबतों में गिर जाते हैं, शैतान आता है उनको बहका कर उनको दूसरी तरफ ले जाता है। तो दीन की तबलीग करने वाले दाई आपको ये करना चाहिए कि वो जिसको बताए फिर उसके साथ मोहब्बत का सलूक करे, उसके साथ एहसान के साथ पेश आए। नबी ससम का ऐसे लोगों के साथ क्या मामला होता था? हदीस मुबारक है, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमदिल थे, जब कोई आपके पास आता तो आप उसे कुछ देने का वादा कर लेते और फिर उसको पूरा करते थे, या तो दे देते और अगर ना होता तो वादा कर लेते बशर्ते कि वो चीज आपके पास होती। एक बार नमाज की अकामत कहेगी, सो अब आप सोचे सफ में खड़े हैं सबके सब, तो एक अराबी ने आपके पास आकर आपका कपड़ा पकड़ लिया, जैसे बच्चे नहीं माँ का कपड़ा पकड़े, तो बोला कि मेरा एक जरा सा काम रह गया, मुझे डर है कि मैं इसे कहीं भूल ना जाऊं। आप ससम उसके साथ चले गए, यहाँ तक कि उसकी जरूरत पूरी कर दी जो मांगने आया था, उसके बाद आकर नमाज पढ़ी, आप उसके साथ चले गए उसका काम करने के लिए। फइन असौ का फकुल इन्नी बरी मिम्मा तामलून, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करे तो उनसे कह दो जो कुछ तुम करते हो मैं उससे बरी उज़िमा हूँ, और इस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कल करो अल अज़ीज़ुर रहीम, जो उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है जब तुम उठते हो, यानी सुबह तहज्जुद के लिए और फरीजा रिसालत अदा करने के लिए उठते हो, और सज्दा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता हूँ। यानी ये काम है मुश्किल लेकिन इसमें
भरोसा अल्लाह पर करना होगा, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? तनज्जुलु अला कुल्लि अफ्फाकिन अथीम, वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं, यानी शैतान उनको आकर मदद देते हैं, सुनी सुनाई बातें कानों में फूकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं, यानी आसमान से कुछ बातें सुनकर जमीन पर आकर जिन कानों पर उनकी दोस्ती होती है उनको कई झूठ मिला कर देते हैं और वो इस पर यकीन करके लोगों को आगे बताते रहे। बस शौराउ यत तबे उमुल गाउन, रहे शौरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग ही चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं, यानी कोई एक टॉपिक नहीं होता, पोएट्री का भी कहें, कभी कहीं की, कभी आसमान की बात, कभी जमीन की बात, कभी दाएं की, कभी बाएं की, पोएम्स में बयान करते हैं शायरी में, और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं, यानी शोरा अक्सर बहुत बड़े बड़े फलसफे बयान करते हैं जिनको वो करके नहीं दिखाते। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सवाले किया, वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसर से याद किया, ऐसे पोएट्स की पोएट्री बेहतरीन होती है, और फिर जब उन पर जुल्म किया गया तो उसका सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दोचार होते हैं। हदीस मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का बाइस होगा। और जुल्म में क्या आता है? किसी को उसका हक ना देना, चाहे वो एक सुई धागा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ममा तौफीक इल्ला बिल्ला हमारी ये सूरत जो है इख्तिताम को पहुंची थी, सूरत शौरा। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत नमल, उसकी सारी सारी नहीं पूरी होगी, उसकी चंद आयात इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरतुन नमल, नमल का मतलब चींटी होता है, और यहाँ चींटी की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। इस सूरत में एक सजदा है आयत नंबर 26 में, इसकी सूरतुन नमल की 93 आयात है, और ये 20वें पारे तक जाएगी, पीर को भी हम इसको पढ़ेंगे। और जो है इसको हम देखते हैं कि इसमें मलका सबा के मुल्क और मलका बिल्कीस और उनकी कौम को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ईमान का पैगाम भेजा था, तो उस वाक़े का जिक्र है। तो हम शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। तौसीन, तिलका आयातुल कुरानी व किताब मुबीन। तौसीन, ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की, हिदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखरत पर ईमान रखते हैं, उनके लिए किताब खुशखबरी है। लेकिन वो लोग इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती रब्बना लहुम आमालहुम ज़य्यना लहुम आमालहुम फहुम यामहून, हकीकत ये है कि जो लोग आखरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, वो दुनिया की जिंदगी में मगन है, दुनिया के काम कर करके खुश हो रहे हैं, जिनका आखरत में कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि इंसान अगर कुछ खाता है पीता है या अपने काम कारोबार या मजदूरी करता है या जॉब करता है तो उसका आखरत में कुछ फायदा नहीं? मेरी बहनों, ऐसा नहीं। फायदा है, फायदा जब है जब ये सब चीजें हलाल तरीके से, जायज तरीके से किया जाए, पूरी मेहनत के साथ की जाए, आखरत को सामने रख कर की जाए। अल्लाह ताला मुझके वाले हमें ये ख्याल हो कि अल्लाह मुझसे पूछेगा, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ठीक निभाना है, तो ये सब कुछ भी बाइस अजर बन जाता है मोमिन का। तो हर लम्हा अगर अल्लाह ताला ने जैसे बताया ऐसी जिंदगी गुजारे तो हर लम्हा इबादत बन जाता है। उलाइकल्लज़ीना लहुम सूल अज़ाब, और जिनके आमाल खुशनुमा बनाए गए हैं तो इसके लिए क्या है?
कि वो भटकते फिरते हैं इधर उधर, उनको सही राह नहीं मिलती। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शुबा आप ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हैं, यानी ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं हो जो खुद जाहिल हो, ये किताब तो अल्लाह की तरफ से आई है जो हर चीज का इल्म रखता है। इसको जब कोई पत्ता भी गिरता है तो उसका इल्म होता है, जमीन के अंदर क्या है, गीली मट्टी के नीचे क्या है उसको वो भी पता है। तो किसी इंसान की नजर इन तमाम चीजों तक पहुंची ही नहीं जिन तक अल्लाह सुब्हान तआला का इल्म है, यानी जिन पर अल्लाह का इल्म मुहित है। लिहाजा इंसानों का इल्म इंसानों की किताबें, अल्लाह सुब्हान तआला की ये किताब, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके इल्म और कुदरत को पहचानते हैं, वही इस किताब की कदर करते हैं। वैस काला मूसा ली आली इन्नी आनस्तु नारन, उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लाता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल 10 साल मदियन में गुजार कर जब वापस मिस्र जा रहे हैं तो उनकी अहलिया उनके साथ हैं, तो उनको रास्ते में सर्दी लगती है और कुछ अंधेरा सा भी है, तो कहते हैं मैं आग लेकर आता हूँ, कहीं से रोशनी नजर आई आ रही है, तुम यही बैठो। तो इससे पता चलता है एक अच्छा शौहर कौन होता है कि जो सफर में अपने घर वालों का पूरा ख्याल रखे, उनकी सर्दी गर्मी का, उनके खाने पीने का। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पूरे उतरते हैं। फलम्मा जा नूदी अनबूरी का मन फिन नारी वमन हौलहा, वहां जो पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जिस आग में है और जो इसके माहौल में है। व सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सब लोग बोले व सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक है अल्लाह सब जहानों का रब, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस मुबारक है रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह नो कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह ससम के दरवाजे के करीब रात गुजारते थे, आपके डोर के पास सोते थे और रात के वक्त रसूल अल्लाह ससम को काफी देर तक ये पढ़ते हुए सुनते थे, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर नबी ससम ने फरमाया सुभान अल्लाह वबी हमदी। तो जब नींद ना आ रही हो तो ये तस्बीह पढ़ें, ये मसनून है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, ए मूसा ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना, और फेंक तू जरा अपनी लाठी। जूही के मूसा ने देखा कि लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा डर नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया और फिर अगर इस बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ, यानी कसूर करने वाला अगर तौबा कर ले और तौबा करने के बाद फिर नेकिया करना शुरू कर दे तो मैं उसको बदल के नेकी बना देता हूँ। इल्ला मन जलमा, इस तरह कुछ और अमाल भी हैं जो इंसान के पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं। मसलन हदीस मुबारक है कि इस्लाम गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ कर देता है, यानी जब कोई शख्स काफिर से मुसलमान होता है तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह बेशक हिजरत गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ मिटा देती है, बेशक हिजरत भी गुज़िश्ता सारे गुनाहों को मिटा देती। तो इसलिए इंसान से गलतियां तो होंगी लेकिन करना क्या चाहिए, फौरन तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह सुब्हान व तआला से माफी मांग कर नेक काम शुरू कर लेने चाहिए और सदका भी कर लेना चाहिए। और जरा अपना हाथ अपने गिरेमान में डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियां हैं, 9 निशानियों में से फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बद किरदार लोग हैं। फलम्मा जाहुम आयातिना मुफसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है, यानी उन्होंने निशानियों को नहीं माना, उसे जादू करार दिया। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। यहाँ मुफसिद किसको कहा जा रहा है, जो निशानी देख कर, हक देख कर, अल्लाह की बात सुनकर, पढ़कर भी ना माने। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। यहाँ इल्म की फजीलत बताई जा रही है। उन्होंने क्या कहा इल्म पाकर, वकाल अल्हम्दुलिल्लाह लजी फद्दलना अला कसीरिन मिन इबादिही मुमिनीन, उन्होंने कहा शुक्र है उस खुदा का, उस रब का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की, क्योंकि उन्हें दीन और दुनिया दोनों का इल्म मिला था। इसकी फजीलत कितनी है एक आलिम की आबिद पर जैसे चांद की सितारों पर।
हदीस मुबारक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इल्म के उसूल के लिए इसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसको उसकी वजह से जन्नत के रास्ते में चला देता है, जन्नत के रास्ते पर चला, जो शख्स इल्मे दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसे जन्नत के रास्ते पर लगा देता, बेशक फरिश्ते तालबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते और आलिम के लिए आसमान और जमीन के सारी मखलूकात मफरत तलब करती, यहाँ तक के पानी के अंदर की मछलियां भी, और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत सितारों पर है। तो मेरी बहनों ये फजीलत है पढ़ने पढ़ाने वालों की, इंशाल्लाह जो आप बैठी हैं पढ़ रही हैं तो इतना अजर और सवाब आप पर आपको मिलता है। वारिस सुलेमान दाऊद, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, और जो है सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उसने कहा लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं, लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं, तो लेकिन अल्लाह के नबी सलमान इंसानों की जमाने तो क्या जानवरों की जबानी भी जानते थे, लेकिन कोई गुरूर नहीं, कोई फख्र नहीं, लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई है, हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे, सुभान अल्लाह, जिनों के लश्कर, इंसानों के लश्कर, परिंदों के लश्कर, कितनी बड़ी आर्मी होगी उनकी, कितनी बड़ी फॉर्म यूज आउन, और सब डिसिप्लिन में रखे जाते थे, ये नहीं कि सब भीड़ इकट्ठी कर रही थी, वो डिसिप्लिन भी थे। एक मरतबा वो उनके साथ कुछ कर रहे थे, यहाँ तक कि जब ये सब चूटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूटी ने कहा ए चूटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें जरा खबर भी ना हो। तो अब आप देखें चूटियों पे एक हदीस मुबारक है कि चूटियां क्या कहती हैं, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है ना तो वो सुनती भी है, हमें होगा इतनी इतनी छोटी चूटी मगर वो सुनती है समझती है सब कुछ। तो ये हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया में से किसी एक नबी को चूटी ने काट लिया तो उन्होंने चूटियों के घर जला देने का हुक्म दिया तो वो जला दिए गए। उस पर अल्लाह ताला ने उनके पास वही नाजिर की कि आपने एक चूटी के काटने की वजह से उम्मतों मखलूकात में से एक उम्मत मखलूक को तबाह कर दिया जो अल्लाह की तस्बीह करती है। तो चूटी हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है ना, बस इंसान ही फजर के वक्त सो जाता है, शैतान हमें सुला देता है, थपकियां दे देता है, तो ये तस्बीह करती। तो ये बेजान चीजें हैं जिनको हम बेजान कहते हैं, ये सब देख रही हैं आंखों के साथ हमें, हमें और पहचानती हैं हमें, और उनके आसपास जो कुछ हम काम करते हैं वो भी देख लेती हैं, और कयामत के दिन गवाहियां भी देंगी, जिस जमीन के ऊपर हम दो कदम रखे होते हैं वो हमारे लिए गवाही देगी या हक में या हमारे खिलाफ। इस वक्त जिस जमीन पर हम बैठे हैं ये जमीन भी हमारे लिए गवाही देगी कि इस शख्स ने मेरे ऊपर बैठकर क्या काम किया, वो हमको पहचान जाएगी। हजरत अस्वद को अल्लाह ताला दो आंखें और एक होंठ देंगे और जो जिसने उसको चुमा होगा तो हजरत अस्वद भी बोलेगा। तो चूंटी क्या है, चूंटी भी जो है कितनी अच्छी बात यहाँ कही है कि चूंटियों अपने बिल में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डाले और तुम्हें जरा भी खबर ना हो। सुभान अल्लाह। फिर हमें हदीस मुबारक देखते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार बेशक दुनिया और उसकी सारी चीजें मलून है सिवाय अल्लाह के जिक्र के और उसके माउन चीजों के, या आलिम या मुतालिम। तो जो आप पढ़ने पढ़ाने वाले वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वरना दुनिया की सारी चीजें मलून है। फिर हम देखते हैं कि आज मुसलमानों पर जवाल की सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी जहालत है, दीन और दुनिया दोनों में उन्हें नहीं पता जब कोई मुश्किल आए मुसीबत आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, दुनियावी वसाइल क्या इख्तियार करने हैं, क्योंकि वो तो हाथ ही में नहीं है, अल्लाह को कैसे पुकारना वो इल्मी नहीं है। तो इसलिए इल्म का रास्ता अगरचे मुश्किल रास्ता है लेकिन वो जन्नत का रास्ता है, बाकी चीजों में खैर नहीं तो वो सिर्फ जरूरत है। यहाँ सीखना सिखाना जो है एक नोबल चीज है, इसलिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हम छोटी छोटी चीजों का बहाना करके सीखने से पीछे रह जाते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर जो थे वो पूरे डिसिप्लिन में होते थे, चूंटियों की वादी के पास से गुजरे तो चूंटियों की जो मलका थी उसने उनको पहचान लिया और फौरन आने से पहले ही दूर थे अभी, और वो दूर थे और ये भी देख लिया कि आ कैसे रहे, लश्करों के साथ आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, चूंटी को हम कैसे उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, मार देते हैं, और ये नहीं पता कि ये चूंटी देख रही है, तस्वीर कर रही है, कभी टेबल पर बैठकर कोई काम कर रहे हो और चूंटी चल रही होती है तो कॉन्शियस हो जाया करे कि देख रही है हमें, कल यही ना उठकर बोलना शुरू कर दे तो इससे क्या
चींटियों की मलका ने क्या कहा, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें, तुम्हारी तरफ रुख ना कर लें, तुम्हारे ऊपर से गुजर ना जाए और उन्हें जरा खबर भी ना हो। यानी इस तरह बेनिफिट और डाउट भी दे रही है कि उन्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तो तेजी में आ रहे हैं और तुम जो है कुछ नहीं जाओगी, अपना दिफा अपना बंदोबस्त कर लो। अभी हम दुआ मांगते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की, चले स्क्रीन पर दुआ देखें। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े, यानी उनको चूटियों की आवाज भी बहुत आ गई और बात भी समझ में आ गई और बोले, क्या बोले, रब्बी औज़ेनी अनशकुरा नेमतिकल्लती अनमता अला अलैया व अला वालिदैया वन आ वन आमला सालेहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालेहीन। तो इस बात पर और इसकी बात से हजरत सुलेमान मुस्कुराकर हंस दिए। किसकी बात से चूटी की और दुआ करने लगे, परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मेरे माँ बाप और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर लें, आमीन या रब्बल आलमीन। ये उन्होंने दुआ की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, कि क्या दुआ की कि उस वक्त उन्होंने, या अल्लाह मुझे कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इनायत और नेमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। ये एक ऐसी खसूसियत थी जो पूरे लश्कर के मुकाबले में सिर्फ उनको मिली हुई थी, सिर्फ पूरा लश्कर क्या पूरे उस दौर के हमें और हमेशा के इंसानों के मुकाबले में सिर्फ वो वाइज सिंगल इंसान ऐसे थे जिनको ये सलाहियत बख्शी गई थी, जिनको ये इल्म दिया गया था, ठीक है। तो इस पर उन्होंने ये दुआ मांगी कि यार मुझे तौफीक दे, तू मुझे काबू में रख, मैं इस नेमत को बाकर कहीं शुक्र करना ना भूल जाऊं, मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमत का जो तूने मुझ पर की है, मेरे वालदेन पर की यानी दाऊद पर, वह अन आम अला सवाल अंतर दाऊ, ऐसा अच्छा नेक काम करूं कि तू राजी हो जाए। ये हम सबकी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ऐसा अच्छा काम करने की तौफीक दे जिससे तू खुश हो जाए। हम सारी जिंदगी लोगों को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, कभी वालदेन को, कभी शौहर को, कभी दुनिया को खुश करके, कि लोग किसी तरह हमसे राजी हो जाएं, किसी तरह हमें सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन वो होकर ही नहीं देते। तो ये सारी एनर्जी असल में अल्लाह ने दी थी अपने आप को राजी करने के लिए, हमने बांट दी लोगों में, उनको खुश करने में लगा दी। तो जब तक हम अपने असल पर जाकर नहीं रहेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी, हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो काम लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं उससे क्या मिलेगा। लोग तो अल्लाह के बिदते कर रहे होते हैं, अल्लाह की बात नहीं मान रहे होते तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर लोग खुश ना हो तो सब कुछ क्या धरा बर्बाद हो जाएगा। वो अदखिलनी बिरहमति काफी इबादि कस्वालीन, लोग खुश ना हो तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह खुश ना हो तो सब कुछ क्या कराया बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर लें। ये किसकी दुआ थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये तो खुद बहुत नेक हैं, तो उनको क्या जरूरत है नेक लोगों की, नहीं, हर एक को जरूरत होती है, हर एक को अच्छी कंपनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी आपकी नेकी के रास्ते का सफर बहुत तेजी से तय करवा देती है। अकेले में इंसान बार बार कोशिश करता रहता है वही काम करने की, लेकिन कभी बददिल हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी छोड़ देता है, कभी भूल जाता है, लेकिन लोग नेक लोगों के साथ, नेक लोगों का साथ मिलकर अल्लाह के लिए करने का जोश और जज्बा जज्बा बढ़ता है। जब नमाज नहीं होती हम भी सुस्त पड़ जाएंगे, जो नमाजें पढ़ा होगा हम भी जल्दी जल्दी उसके साथ नमाज पढ़ने लगेंगे। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फना हुदूद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल कर ली, कौन था हुदूद जो आपके इल्म में नहीं है, मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ, मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उसकी हुक्मरान थी, कौम सबा की हुक्मरान थी, उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है, यानी पूरे वसाइल सोर्सेस बहुत हैं और बहुत सारे मींस हैं उसके पास हुकूमत करने के, उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। I-24 मैंने देखा कि वो उसको उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है, शैतान ने उनके अमान उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, यानी शिर्क जो ये है, ये शैतान ने इंसानों के लिए शिर्क बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया है और उन्हें शाहराह से रोक दिया है, यानी हिदायत के रास्ते से रोक दिया, इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि उसको उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है, वो सब कुछ और वो सब कुछ जानता है। अल्लाह अल्लाह के इल्म की वजह से जिसे तुम छुपाते हो, अल्लाह अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक है इबादत नहीं, जो अर्शे अजीम का मालिक है। सजदा नहीं था ना यहाँ पर बीच में, ठीक है,
कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आयत 26 आसमान और जमीन की पोशीदा चीज को निकालता है, वो सब कुछ जानता है। तो चले हम सजदा कर झुक जाते हैं, अपनी गर्दन झुका लें। सजद वजिया लिल्लजी खलकहू व सव्वरहू व शक्का समहू व बसरहू व तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। मेरे सचेरे ने उस जात के लिए सजदा किया जिसने उसे पैदा किया और उसकी सूरतगरी की और उसके कान और उसकी आंखें बनाई। अल्लाह बड़ी बरकतों वाला है, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सजदों का भी मौका मिलता है, दुआओं का भी, जिक्र का भी, अल्लाह सब कबूल कर ले। आयत नंबर 26 अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्शे अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा अभी हम देखे लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से। मेरा ये खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जूं ही एक कौम की खबर आई, उन्होंने पहला काम क्या सोचा, इस्लाम की तबलीग करें उसको। हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो हमारा क्या तर्ज अमल होता है मेरी बहनों? क्या हमें भी ये सोचती कि हमारे हाथ से जाने ना पाए, कि हमें हम उन्हें कुछ ना कुछ अल्लाह की बातें बता दें। कालत या अय्युहल मलाऊ, मलका भी बहुत अच्छी खातून थी, बोली ए अहले दरबार मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। इन्नहु मिनस सुलेमाना, वो सुलेमान की जानिब से। इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। यानी सुलेमान सामने खत को बिस्मिल्लाह से शुरू किया था। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलका ने कहा ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। ये सभा का जगह का नाम सभा था और मलका का नाम बिल्किस था। मैं किसी मामले का तुम्हारे बगैर फैसला नहीं करती हूँ, यानी तुमसे मशवरे करके करती हूँ। मशवरा एक अच्छी आदत होती, मेरी बहन एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, वो जो चाहती करती, डिसीशन करके सबको बता देती कि मैं ये काम करने वाली। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, अपने साथियों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको साथ लिया। जो लोग मशवरा करते हैं, मशवरे से काम करते हैं, उनके बहुत से मददगार होते हैं, और जो मशवरे के बगैर अपनी मनमानी करते हैं वो फिर अकेले रह जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में। अब इससे अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी आर्मी उसकी, वो किस तरह एक मलका के आगे झुकी हुई है। वो वैसे भी मुश्रिक थी, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, यही कुछ वो क्या करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची को क्या जवाब देते हैं। जब वो मलका का सफीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। यानी यहाँ इजहार फखर और गुरूर मुराद नहीं था, मतलब ये कि मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ ऑलरेडी है। अब बस ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आपको खाना पेश करे और आप कहें कि मैं खा चुका हूँ या मैं बहुत कुछ खा चुका हूँ, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो फखर रहा कर रहा है, उसका मतलब ये है कि उसको तलब नहीं है। तुम्हारा ये हदिया तुम्ही को मुबारक हो। ऐ सफीर वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ, हम उन पर ऐसे लश्कर ले आएंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे। हमने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल नहीं की, अब हम आर्मी के साथ आएंगे और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएंगे। पैगंबरों को मुल्क नहीं और जमीन नहीं चाहिए होती, वो अल्लाह का दीन फैलाना होता। सुलेमान ने कहा अलैहि सलाम ने कहा ए दरबार, ए अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हो जाए, यानी इससे पहले ही अर्श को उठा लाओ। जिन्नों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसकी ताकत लगता हूँ, अमानतदार हूँ। ये जिन का इनका और जिन की ताकत थी, और ये एक रियलिटी है कि जिन ऐसे काम कर लेते, जिन खास तौर पर जब वो कंट्रोल में हो किसी ह्यूमन के। तो हम देखते हैं कि बैतुल मुकद्दस से यमन तक का फासला, जहाँ कौम सबा थी, ठीक है, जहाँ ये मलका थी, तकरीबन 1500 मील था। टू वे कितना हुआ, 300 माइल्स का फासला। इतना फासला जो है वो इतनी देर में कोई तय कर ले तो कितना, मतलब बहुत जल्दी ले आए। उसने कहा कि आप यहाँ से उठेंगे नहीं, मैं ले आऊंगा। तो वो कहता है कि मैं उसकी ताकत रखता हूँ, अमानतदार हूँ। इल्म, अब देखें, قال الذي عنده علم من الكتاب, अब ये तो जिनने कहा, अब इल्म वाला क्या कहता है, इल्म वाले की ताकत देखिए। हजरत सुलेमान के दरबार में एक और शख्स था जिसका ये नहीं मालूम कि वो जिन था, इसके पास अपनी ही कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसकी बिना पर उसने कहा मैं आपकी पलक झपकने के देर में उसको ला देता हूँ। किसको?
मलका सबा के मलका बिल्किस के तख्त को, आप आंख नीचे से ऊपर करेंगे और वो आ जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या आज किसी के पास ऐसी कोई करामत है या किसी किस्म की कोई ताकत है या कोई टेक्नोलॉजी है कि इतनी तेजी के साथ कुछ काम कर सके हो कि जो हवा और रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार। जिस शख्स के पास किताब का एक इंच था वो बोला, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसे ला देता हूँ। जूं ही के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो हुआ ये कि उन्होंने बस आंख खोली तो तख्त सामने था। पुकार उठे, हाजा मिन फदली रब्बी, मैं ये मेरे रब का फजल है। कोई भी नेमते आए तो कहे हाजा मिन फदली रब्बी, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग या सुलेमान ने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो, देखें क्या वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राय रास्त नहीं पाते। यानी इधर से वो सारा लाओ लश्कर चल पड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अतात के लिए, उधर से लश्कर के आने से पहले तख्त आ चुका था। तो उन्होंने कहा इसका थोड़ा सा नक्शा हाल उलिया बदलो, देखते हैं कि अपने तख्त को पहचानती है कि नहीं। ये उन लोगों में से है जो राय रास्त नहीं पाते, असल में वो टेस्ट कर रहे थे अकल समझ कितनी है, क्योंकि जो नासमझ इंसान होता है वो सिर्फ जाहिर को देखता है, जो समझदार होता है वो जाहिर से आगे भी देखता है। तो एक होता है दूरस दूरबीन और एक होता है जाहिर परस, सिर्फ जो मोटी मोटी चीजें नजर आती है वही देखता है और आगे उसके कुछ ना देखा, तो वो सिर्फ मोटे मोटे लफ्ज पर पढ़ सकता है और बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं देखता। अब यहाँ देखे कि मलका की क्या सलाहियत थी, मलका ने क्या कहा। जब मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया कि तेरा तख्त ऐसा ही है, वो कहने लगी ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे, यानी हम तो पहले ही पहचान गए थे, हम तो आपके खत से ही पहचान गए थे कि आप क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो वही है, हम तो पहले ही पहचान गए थे, हम और हमने सरे अतात झुका दिया, हम तो मुसलमान हो गए। इसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, वो उसके आगे दीवार बने हुए थे, हक तक नहीं पहुंचने देते थे क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाए, उसने जो देखा तो समझा कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा ये शीशे का चिकना फर्श है, पानी नहीं। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरे महल उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए कुरान ने इतना ही बता दिया कि शीशे का है फर्श। इससे अंदाजा कर लें कि फिर छतें क्या होंगी, अगर फर्श शीशे का है तो छतें दीवारें और बाकी सब चीजें कैसी होंगी। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर ली, क्योंकि औरतें जल्दी बात मान लेती ना। फिर समूद की तरफ हमने उनके भाई सौले को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो वो दो मुतखासिम फरीक बन गए, आपस में झगड़ने लगे। सवाले ने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो, क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया। सवाले ने जवाब दिया तुम्हारे नेक को बदशगुन का सरिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही। इस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम ना करते थे। उन्होंने आपस में कहा अल्लाह की कसम खाकर अहद कर लो कि हम सवाले उसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, यानी रात को हमला करेंगे, और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे, यानी झूठ बोल देंगे। हम बिल्कुल सच कहते हैं, झूठ बोल के सच कहते हैं, यानी उनका झूठ उनका सच था। ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर ना थी, अब देख लो कि इनकी चाल का अंजाम क्या हुआ, हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को, वो उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे, उसमें एक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। वलूत और निस्काल अली कौम यलूत को हमने भेजा, याद करो जब वो अपनी कौम से कह रहा था क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो, क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो, हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं, आखिरकार हमने बचा लिया उसको उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था, और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जो मुतनब्बे किए जा चुके थे। कुल अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला
इबादी लजी नस्तफा अल्लाह खैर अम्मा युशिकून। ए नबी कह दीजिए कि हमद है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने बरगजीदा किया। अल्लाह खैर अम्मा युशिकून, उनसे पूछो अल्लाह बेहतर है। अल्लाह खैर अम्मा युशिकून, उनसे पूछो अल्लाह बेहतर है। अल्लाह खैर अम्मा युशिकून, उनसे पूछो अल्लाह बेहतर या वो मरबूत जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे हैं। इससे हम देखते हैं कि अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का अपने बंदों के लिए सलाम। एक हदीस मुबारक, एक दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे आपका रब अज़्ज़ल आपको सलाम कहता है। अल्लाहुम्मा अंत सलाम, सब लोग पढ़े मेरे साथ ये दुआ के नमाज के बाद का भी अस्कार है, अस्कार में से एक जिक्र है। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनक सलाम तबारक या जुल जलाली वल इकराम। ये दुआ भी खूबसूरत है। अल्लाह ताला से इंसान सलामती मांगे और सलामती के साथ अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और जितनी हमने दुआएं मांगी अल्लाह ताला उसको हमसे कबूल फरमा ले। नबियों की अल्लाह ताला ने खुद हमें दुआएं सिखाई थी, तो हम इस पे एंड करते हैं। और वो जो है फजीलत की हदीस तो गुजर चुकी थी हमारे दर्स के अंदर ही। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दुरूद शरीफ सुन लीजिए इंशाल्लाह, और फिर एक अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह, तो वो अनाउंसमेंट सुनिएगा। दुरूद शरीफ सुन लेते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल इंशाल्लाह हम लोग हस्बे वादा कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि जलजलों के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में कुरान और हदीस से हमें क्या मिलता है, क्या अल्लाह ताला और आप अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं इंशाल्लाह। तो कल ज़रूर सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। एज अ कुरान के स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए ना कि क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये अजाब जो आते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह, ताकि हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, किसी के लिए हम जजमेंटल ना हो जाएं कि अजाब क्यों आया, कैसे आया। तो इंशाल्लाह कल 2 बजे हाजिर खिदमत होंगे। आप भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा और सबको और बहनों को भी इसमें शामिल करिएगा। आप लोगों को कोई बात रखनी हो तो बताएं, क्योंकि अब ये थोड़ी सी टेक्निकल ख़राबी मेरी तरफ से ही कुछ हो गई थी, तो उसके लिए भी आपका सब्र को आजमाया था अल्लाह ताला ने, उसमें भी आप लोग पूरी उतरी हैं माशाल्लाह, सब खामोशी से। और फिर मुझे हमारी साइमा अशरफ बहन है, उनका जूम पे मैसेज आया, और हमारी जो है मुनज़्ज़ा बहन का भी मैसेज आ गया था, और मुझे भी कुछ महसूस हो रहा था। तो इतनी, और हमारी महजबीन बहन ने जो कल मैंने 20वां पारा डाल दिया था हमारे व्हाट्सएप पे, तो उसका भी मुझे बताया माशाल्लाह, इतनी अटेंटिवली माइन्यूटली बारीकी से चीज़ों को देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं। अल्लाह आप लोगों को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, और यकीनन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसी बहनें मिली हैं जिनकी वजह से हम ये सारा
इल्म, ये जखीरा हम जमा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पे अमल पैरा होने वाला हमें बना दे, हमारी गलतियों को आमीन दे और हमारे आमीन जो है आना बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हम हमें आमीन आरजुएं पूरी करे जन्नतुल फिरदौस में, आला आमीन अता करवाए, आग के अजाब से बचा ले, और हमारी आमीन तमाम जो मुश्किल हैं दुनिया और आखिर दूर फरमा दे, और इसका बेहतरीन अजाब सब लोगों को अता फरमाए। तो कल इंशाल्लाह फिर हम जो है अर्थक्वेक जलजले के बारे में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।